हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी गान मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी गैन यूट्यूब चैनल पे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने स्पीडी करंट अफेयर्स की किताब हर महीना कवर करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं कई सारे एग्जामिशन के लिए जैसे कि एस हो गया बैंकिंग हो गया राइट right? तो स्टेट यू स्टेट पी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर करंट अफ़ेयर्स को पूछना ज़रूरी हो चुका है एंड स्पीडी करेंट अफेयर्स एवरी मंथ अपनी मैगजीन को रिलीज़ करता है विथ अपडेटेड वर्जन जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लोग कवर करते हैं दोस्तों तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमने ऑलरेडी वन लाइनर्स को कम्प्लीट कर दिया है तो अभी तक आपने हमारे मेम्बरशिप को ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि जितने भी वीडियोज़ रहेंगे स्पीडी के वो आपको अभी मेम्बरशिप लेने के बाद आपको फुल एक्सेस रहेंगे इवन दो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि एक छोटा सा डेमो वीडियो आपने देखा होगा राइट तो आप कंप्लीट एक्सेस चाहते हैं तो आप जो है हमारे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है उस लिंक को क्लिक करके हमारे मेंबर चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन हो जाइएगा मिनिमल कॉस्ट है दोस्तों जस्ट फोर्टी फिफ्टी रुपीज़ का कॉस्ट है और पूरे मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो सारा कुछ आपको एक्सेस मिलेगा तो आज जो है हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एम सी क्यूज है जिसमें मैं आपको बताऊंगा 800 प्लस एम दोस्तों जी हाँ 800 प्लस एम हम डिस्कस करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट ईयर का आपको कवर किया जाएगा एक ही वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हम लोगों ने दूसरी सीरीज़ भी स्टार्ट की है यू पी वाली सीरीज़ दोस्तों अगर ई Epo, पी uh, के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स दे रहे हैं उनके लिए कोई मेंबरशिप नहीं है कंप्लीट फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विथ हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवरेज हंड्रेड परसेंट आपको सिलेबस कवरेज रहेगा मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सोशल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल लॉ एंड रिलेशन ओके ये तरह तरह के सब्जेक्ट्स okay? आपको इसमें कवर करवाए जाएंगे uh, वो ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है हमारे चैनल पे अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी विजिट कीजिएगा उसके सेपरेट प्लेलिस्ट हमने बना रखी है यूपीएससी पीएफओ की वो कंप्लीट फ्री कोर्स है दोस्तों ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई मेंबरशिप चार्जेस या फिर कोई सेपरेट कोर्स भी हमने रखा है क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन जो दूसरे चैनल्स में अगर आपने देखा होगा जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंडस्ट्रियल लॉ सिर्फ एक वीडियो दो वीडियो उनको जो है बताया जाता है बाकी का सारा पेड कर देते बट हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़े एग्ज़ाम क्रैक करें विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं और दूसरे एजुकेटर हैं जो लॉयर हैं एडवोकेट हैं उनके ज़रिए से जो है हम लोगों वीडियोस बना रहे हैं अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का uh, जो एम सी क्यू वीडियो है मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई दे चलिए सो हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द पासिंग आउट परेड ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर फ्रॉम आई एन एस छिल्का की बात करें तो ऑप्शन सी एडमिरल आर हरि कुमार दोस्तों वॉट इज़ द हाइट ऑफ द वर्ल्ड हाइएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज की बात करें दैट इज़ ऑप्शन ए थ्री फिफ्टी नाइन मीटर्स वॉट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल यूज फॉर वन वेव इंडिया मिशन टू ओके टू बी लॉन्च बाई ऑन मार्च ट्वेंटी सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन है एल वी एम थ्री स्लैश एम थ्री दोस्तों वॉट इज़ द नेम ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जो जम्मू कश्मीर में है ये आपको uh, इंदिरा गांधी मेमोरियल है विच हाई कोर्ट हैज़ यूज आर्टिफिशियल बेस्ड चैट जी पी टी हियरिंग बेल इन मर्डर केस uh, की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी पंजाब एंड हरियाणा हो गया दोस्तों सो रिसेंटली हुज़ बिन कॉन्फर्ड विद द हाइस्ट सिविलियन ऑनर केरला ज्योति इन केरला ये हमने वन लाइनर्स में भी uh, पढ़ाया था मैंने तो ऑप्शन ये है दोस्तों एम टी वासुदेवन नायर हु हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर द संगीत कला निधि अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बाई संगीत अकेडमी की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बॉम्बे जयश्री रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द डी एन एस एलेवेंस ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज़ बाई फोर परसेंट टू हाउ मनी परसेंट ऑप्शन सी फोर्टी टू परसेंट दोस्तों लुइस कैफरल ऑफ अर्जेंटीना हैज़ रिसीव द एबल प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इन विच फील्ड ये जो अवार्ड uh, दिया गया है ऑप्शन बी हो गया दोस्तों मैथेमेटिक्स फील्ड ठीक है सो विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू पास राइट टू हेल्थ बिल की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों राजस्थान ठीक है सो विच कंट्री टिम पेन रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट की बात करें तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज फेमस राइटर शिव शंकरी हैज़ रिसीव्ड द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर टू थाउजेंड नाइनटीन ऑटोबायोग्राफी सूर्यवंशम की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए तमिल दोस्तों ठीक है सो हु वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज ओल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया वन ट्वेंटी सिक्स रैंक दोस्तों चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो हु मेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टस्ट स्विम अक्रॉस एट द पार्क स्टेट इन अंडर ट्वेंटी वन एज ग्रुप की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए संपन्ना रमेश सेलार ऑन विच डेट नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड दोस्तों ऑप्शन बी सिक्सटीन मार्च को मनाया जाता है वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज हेल्ड ऑप्शन सी हो गया न्यू डेली रिसेंटली हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन पर्सन टू बी द असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द यू एस एयर फोर्स की बात करें तो ऑप्शन डी रवि चौधरी इनका नाम है रिसेंटली हैज बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ अमेरिका इन इंडिया तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों एरिक गैसेटी

तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑप्शन है ब्रेंडन फ्रेजर इनका नाम है विच फाउंडेशन डे हैज सी आई एस एफ सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंथ मार्च तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी फिफ्टी फोर्थ फाउंडेशन डे हु हैज बिकम द फर्स्ट वन कमांडर ऑफ ए फाइटर यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ऑप्शन जी हो गया दोस्तों शलेजा धामी बाय वन दज़ द रेलवेज एम टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर ये भी हमने वन लाइनर्स पे पढ़ा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम से पूछने के हंड्रेड एंड वन परसेंट चांस है तो ऑप्शन सी टू थाउजेंड थर्टी हु हैज़ रिसेंटली वन द प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन है सर डेविड चिपरफील्ड हुज़ वन द बीबी सी इंडियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अवार्ड तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों मीरा बाई चानू सो हु हैज वोन द वमेन सिंगल टाइटल इन नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया अनुपमा उपाध्याय हेकानी जकालू हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एम एल ए ऑफ विच स्टेट ऑप्शन डी नागालैंड विच फीमेल फुटबॉलर हैज़ रिसेंटली वोन द फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अवार्ड की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन बी अलेक्सा पुटिलास विच मेल फुटबॉलर हैज रिसेंटली वन द फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया लियोनल मेसी व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 55 कंट्रीज इन द रिसेंटली रीसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फॉर द ईयर 2023 तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी फोर्टी सेकेंड विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली ओन द टाइटल ऑफ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बाई दैवलॉन इंडिया तो वर्ल्ड फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है ऑप्शन सी सचिन तेंडुलकर हैज़ वन द टाइटल ऑफ रंजी ट्रॉफी 2022-23 की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सौराष्ट्र दोस्तों विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन अमेरिका टू बैन कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑप्शन है सी अटल विच इंडियन फिल्म वन द ऑस्कर 2023 इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी एट नाइन्टी फिफ्थ अवार्ड्स की बात करें तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों द एलिफेंट विस्वर्स विथ विच कैंपेन थीम इंटरनेशनल वुमेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन एट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन बी हो गया एम्ब्लॉयज इक्विटी विच बैंक हैज़ इश्यूड इट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑप्शन डी येस बैंक दोस्तों वेर हैज़ दीटिंग ऑफ यस सीओ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैज़ बिन हेल्ड ऑप्शन बी न्यू डेली एंड हुज बिन इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें तो ऑप्शन ए अजय सिंह विच कंट्री एम्बेसी लॉन्च स्पेनिश हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी इन न्यू डेली दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पैनिश और हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी लॉन्च किया गया है स्पेन में दोस्तों फ्लैगशिप प्रोग्राम एम पी एम श्री इज इनिशिए ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच इंडियन यूथ प्लेयर हैज वोन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया धनुष लोघानाथन हुज बिन अपॉइंटेड एज इंटरिम कैप्टन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो इंटरिम कैप्टन ऑप्शन डी नीतीश राणा को बनाया गया विच बैंक हैज़ अक्वाइड ऑल डिपॉजिट एंड लोन्स ऑफ सिलीकॉन वैली बैंक ये मैंने वन लाइनर्स में भी आपको पढ़ाया था देट इज़ ऑप्शन बी फर्स्ट सिटीजन बैंक दोस्तों रिसेंटली इसरो लॉन्च हॉ मनी सैटेलाइट ऑफ नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड वन वेब साइमल्टेनियसली तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी थर्टी सिक्स हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू विन मोर दैन वन गोल्ड मेडल इन वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन निखत जरीन सो हु हैज बिन कॉन्फर्ड विथ असाम हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड असाम वैभव फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन डी डॉक्टर तपन सेखिया विथ टीम हैज वोन द वोमेंस प्रीमियर लीग टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टाइटल दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस ठीक है यूनिवर्सिटी विल बी द उत्तराखंड गवर्नमेंट सेटअप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑप्शन बी हल्दवानीसा हल्दवानी हु हैज़ बिकम द सी ई ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ ऑनलाइन टेक्सट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है इनफैक्ट मैं भी कभी कभार यूज कर लेता हूँ तो ऑप्शन है राहुल राय चौधरी विच कंट्री हॉकी फेडरेशन हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड बा हॉकी फेडरेशन की बात करें तो दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों इंडिया विच कंट्री हेज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मेम्बर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ऑप्शन है इजिप्ट वेन इज अ वर्ल्ड वाटर डे सेलब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड Uh, कब बनाया जाता है ऑप्शन है ट्वेंटी सेकेंड मार्च दोस्तों ओके सो वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप हेल्ड कहाँ पे हुई थी है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन है उदयपुर हु लॉन्च द कॉल बिफोर यू डिग ओके कॉल बिफोर यू डिग ऐप ये किसने लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो हु ओन द टाइटल ऑफ सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ऑप्शन बी सर्जियो पेरेस हु हैज टेकन ओवर एज द सी ई ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स स्टारबक्स के नयो नए सी ईओ कौन बने हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है लक्ष्मण नरसिमन सो हु ओ वन द गोल्ड मेडल इन द मेन स्टेट मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट आई डब्ल एस एफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियन शिप की बात करें तो ऑप्शन है सरबजीत सिंह विच इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस हैज़ बिन अवार्डेड द नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल बाई यू एस प्रेजिडेंट जो बाइडन की बात करें तो ऑप्शन है मिंडी कैलिंग दोस्तों सो हु हैज़ एक्वायर्ड द स्विस बैंक क्रेडिट स्विज बैंक विच इस फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों यू बी एस ग्रुप ओके हुज़ वन द सिंगल टाइटल ऑफ इंडियन वेल्स मास्टर्स रिसेंटली तो ऑप्शन ए है कैर्लोस अलकरस दोस्तों ओके हुज़ बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टूविन द ए टी पी मास्टर्स थाउजेंड टाइटल तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना के सो विच कंट्री हैज़ रीसेंटली लॉन्च द नेशनल सिनेमा स्ट्रैटेजी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोस्तों इन मेनी स्टेट्स विल पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी सेटअप ऑप्शन सी हो गया सेवन विच एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप एयरपोर्ट्स रिलीज बाय स्काई ट्रैक्स की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट हुन सोन इन एज थर्ड वाइस प्रेजिडेंट ऑफ नेपाल तो ऑप्शन सी राम सहाय प्रसाद यादव सो विच बैंक हैज़ बिकम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ मुंबई इंडियंस दोस्तों मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर्स कौन बने हैं तो ऑप्शन बी आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च टेन परसेंट रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर्स इन विच सिक्योरिटी फोर्स ऑप्शन है सी आई एस एफ रिसेंटली वो हैज बिन ऑनर्ड विद द गवर्नर ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ब द इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दास हु हैज लॉन्च द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार्ट GPT जी पी टी फोर की बात करें मैंने पहले भी वन लाइनर में आपको डिस्कस किया हुआ है ऑप्शन ए ओपन ए आई हु हैज बिकम द फर्स्ट loco लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो ऑप्शन डी सुरेखा यादव दोस्तों has बिन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ़ द शी चेंजेस क्लाइमेट इनिशिएटिव इन इंडिया यह भी हमने वन लाइनर में डिस्कस किया है ऑप्शन सी श्रेया गुडावट इज अ राइट आंसर सो विच कंपनी हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी फ्रॉम आर बी आई तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है आई आर डी ए दोस्तों इनवर्सिटी वॉज द जी ट्वेंटी फ्लावर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड या फिर ऑर्गेनाइज uh, किया हुआ है ये न्यू डेली में किया हुआ है सो विच मूवी सॉन्ग नाटू नाटू हैज़ ओन द अवार्ड इन द ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी एट नाइन्टी फिफ्थ ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी की बात करें तो ऑप्शन सी आर 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 सो विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एम ओ यू ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोऑपरेशन की बात करें तो ऑप्शन बी मेक्सिको हो गया विच एक्ट्रेस वोन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड्स टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है मिशाइल यू सो विच बैंक ऑफ अमेरिका हैज डिक्लेयर इट सेल्फ बैंक ऑप्शन भी सिलिकॉन वैली बैंक दोस्तों इनविस्टेट पी एम मोडी इनागरेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म ओके जो कि पंद्रह सौ मीटर का है लगभग तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटका विच टीम वोन द टाइटल ऑफ सेवेंटी सिक्स एडिशन ऑफ ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी किसने जीता है ये कर्नाटक ने जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया वन द प्रेसीजियस ईरानी कप बट फिटिंग होम किसको हरा के हमने इसको जीता ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नवल नावल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वॉज ऑर्गेनाइज़ ऑन विच एयरक्राफ्ट करियर कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑर्गेनाइज़ किया गया था ऑप्शन डी आई एन एस विक्रांत रिसेंटली बिकम एटी फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी सैतन दास वट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन बी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ वोन द गोल्ड मेडल इन द मेन्स शॉर्ट पुट इवेंट ऑफ ए एफ आई नेशनल थ्रो चैंपियनशिप ऑप्शन सी तेजेंद्र पाल सिंह टूर एक्सरसाइज दस्तलिक टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑप्शन सी

चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन बी अनुपमा उपाध्याय अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हैज अपॉइंटेड हैज इट्स साइंस चीफ की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों निकोला फॉक्स हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी तो ऑप्शन बी हमज़ा यूसुफ ओके हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू कोच ऑफ द इंडियाज मेन या फिर इंडिया मेन्स हॉकी टीम की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए ग्रैक फुलटन यूनिवर्सिटी द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज़ इनागरेटेड अगरी यूनिफर्स्ट अगरी यूनिफर्स्ट कहाँ पर इनाग्रेट किया गया था बैंगलोर में दोस्तों रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हेज़ अप्रूव द परचेज ऑफ हाउ मेनी एच टी 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 फोर्टी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेवेंटी रिसेंटली समीर खक्कर हैज पासडवे टू विच फील्ड डज ही बिलोंग्स टू ये एक्टिंग से बिलोंग करते थे एंड वॉट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन बी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल वेलबींग दोस्तों विच बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस में जो जजमेंट पब्लिश किया गया है वो केरला हाई कोर्ट बना है हैज बिन अपॉइंटेड बाई यूनिसेफ इंडिया एज इट्स नेशनल एम्बेसिडर दोस्तों ऑप्शन सी आयुष बल खुराना बिकम द इंडिया ग्रैंड मास्टर इन चेस की बात करें तो ऑप्शन सी विग्नेश इनार रिसेंटली हुज़ बिन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड की बात करें तो ऑप्शन है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा इन विच स्टेट द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज बिंग सेटअप तो ऑप्शन भी हो गया हरियाणा सो वेयर हैज इंडिया फर्स्ट अग्री चैट बॉट अमा क्रुशाई बीन लॉन्च तो ऑप्शन बी उड़ीसा दोस्तों हु हैज बिकम द न्यू सी ई ऑफ नीति आयोग की बात करें तो ऑप्शन है बी वी आर सुब्रमण्यम विद विच कंट्रीज रशिया रिसेंटली ब्रोकन द ट्रीटी कॉल्ड न्यू स्टार्ट तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अमेरिका विच फिल्म हैज़ बिन गिवन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहेब पाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री जो बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है दोस्तों ऑप्शन सी हो गया कश्मीर फाइल्स विच क्रिकेट टीम हैज़ वन द रणजी ट्रॉफी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री टाइटल की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सौराष्ट्र हु हैज़ रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑप्शन डी ऑस्टिन बटलर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी दोस्तों ऑप्शन ए एम वी सचंद्र कुमार हैज़ बिकम द न्यू सी ओ ऑफ यूट्यूब यूट्यूब के नए सी ओ कौन बने ऑप्शन डी नील मोहन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक हंड्रेड विकेट्स इन टी ट्वेंटी आई तो ऑप्शन है दीप्ति शर्मा हु हैज़ ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया अप्पा साहेब धर्माधिकारी रिसेंटली कुछ फेमल क्रिकेटर हैज़ बिन अवार्डेड द आई सी सी प्लेयर ऑफ़ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी की बात करें तो ऑप्शन बी ग्रेस क्रिवंस इंग्लैंड के हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर ए सेंचरी इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी रोहित शर्मा यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट को ओपन uh, किया गया है ऑप्शन बी कश्मीर हो गया फ्रेंच प्लेयर रफेल वानेज़ रिटायर फ्रॉम विच इंटरनेशनल गेम तो ऑप्शन सी हो गया फुटबॉल दोस्तों सो विच कंट्री एरन फिंच हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया तो विच स्टेट गवर्नमेंट हेज़ लॉन्च ए स्कीम कॉल्ड लाडली बहना ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ठीक है चलिए सो विच रेजिंग डे हेज़ इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट ऑन फेब्रवरी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों फोर्टी हु हुज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने हैं तो ऑप्शन डी होगा अमरप्रीत सिंह एंड विच टीम हैज़ ओन द टाइटल ऑफ मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन सी जर्मनी हो गया है Who has won the men's single title in Australia Open 2023? तो option A, Novak Djokovic. Who has won the men's Under 19 T20 World Cup 2023 uh, title की बात करें तो option C होगा दोस्तों India. Which birth anniversary of Lala Lajpatra has been celebrated on 28 uh, January की बात करें तो ऑप्शन भी 158 दोस्तों. Who has won the best female cricketer of the year award at ICC Awards 2022? Then ऑप्शन भी Nat Shiver इंग्लैंड के. who has won the male cricketer of the year award at ICC awards 2022 to option C Babar which country recently joined the agriculture innovation mission for climate initiative to iska jo correct answer hai, that is option C India which Indian American has recently presented his candidature for US presidential election dosto. option B Vivek Ramaswamy which became the first American city to ban caste discrimination सी एटल ऑप्शन बी हुज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कैप्टन बाई द सनराइजर हैदराबाद फॉर आई पी एल की बात करें तो ऑप्शन सी एडन मारखाम इन विच स्टेट वॉज अ फ्रोजन लेक हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था इसको तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है लद्दाख सो हु हैज बीन चूजन बाई द बी सी सी आईज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द वुमेंस प्रीमियर लीग की बात करें किस को चूज़ किया था इन्होंने तो ऑप्शन है टाटा ग्रुप को इंडियन रेलवे रिसेंटली कंप्लीटेड द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल ब्रॉड गेजर रूट्स इन विच स्टेट उत्तर प्रदेश विच फिल्म वॉज चूजन एज द फिल्म ऑफ दर एट द दादा साहेब पाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो ऑप्शन सी आर 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 हु ओ ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन एशिया मिक्सड टीम चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन ए इंडिया इन विच स्टेट वॉज अ इंडो उजगेबिस्तान बाइनियल मिल्टी ट्रेनिंग एक्सरसाइज दस्तलिक टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑर्गेनाइज ऑप्शन ए उत्तराखंड which country has been elected as the president of 62nd session of united Nations social development uh, commission की बात करें तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों इंडिया with whom did aicte launch the national level hackathon kavach 2023 की बात करें तो ऑप्शन बी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट what is the name of the new ai chatbot released by uidai recently तो ऑप्शन बी आधार मित्र which indian tech startup unveiled the solar powered drone suraj at aero india 2023 शो uh, की बात करें तो ऑप्शन बी गरुड़ा एरोस्पेस विच फिनटेक कंपनी हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट चैट जी पी टी पावर्ड ए आई चार्टॉट लेक्सी जिसका नाम है लेक्सी तो किसने लिया था ऑप्शन सी हो गया दोस्तों फिलोसिफी ठीक है चलिए नेक्स्ट इन इनविस्टेट डिट पी एम मोडी इनागरेट जल जन अभियान दोस्तों जल जन अभियान तो ऑप्शन सी हो गया राजस्थान हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ मेंटर ऑफ द रॉयल चैलेंज बैंगलोर वुमेन क्रिकेट टीम तो उनके मेंटर को किसको अपॉइंट किया गया है ऑप्शन बी हो गया इन विच कंट्री वॉज अ ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज दोस्तों ऑप्शन ए फी एंड विच स्टार्टअप हैज़ मैन्युफैक्चर द स्वाम ड्रोन सिस्टम इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी ऑप्शन सी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी हु इज अ फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया हु इज इन्वॉल्व इन द मिशन ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ऑप्शन बी रयाना बमावी हेल्थी माइंड हेल्थी होम इज इनिशिएटिव लॉन्च बाई विच मिनिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हाउ मनी बिलियन डॉलर्स हेज बीन अनाउंस बाई वर्ल्ड बैंक फॉर अर्थ अफेक्टेड टर्की तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी वन पॉइंट सेवन एट बिलियन डॉलर वो हैज बिकम द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बी डी मिश्रा दोस्तों ठीक है विथ्स टीम बॉट इंडिया स्टार बैट्समैन स्प्रीति मंदना इन द फर्स्ट वन प्रीमियर लीग ऑप्शन तो ऑप्शन डी हो गया रॉयल चैलेंज बेंगलुरु सो वॉट इज द थीम ऑफ द एरो इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री शो तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है रनवे टू ए बिलियनर ऑपरचुनिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन विच यूनियन टेरेटरी लीथियम फाउंड है लिथियम रिजर्व कहाँ पे मिले हैं हमको तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में हमको मिले हैं ठीक है सो रिसेंटली इसरोज लॉन्च हाउ मेनी सेटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट विथ एस एस एल बी डी टू रॉकेट की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी थ्री वॉट इज अ रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स टू थाउजेंड्वी वन तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टेंथ रैंक है डिजिटल पेमेंट उत्सव इज इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी क्लियर सो इन विच सिटी द मीटिंग ऑफ अर्बन ट्वेंटी सिटी शर्पाज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज ऑप्शन सी अहमदाबाद हो गया दोस्तों ओके द गवर्मेंट ऑफ विच कंट्री हैजाउंस द फिफ्थ डोज ऑफ कोविड नाइनटीन वैक्सीन टू ऑल दिटीजन एज एटीन ईयर्स एंड तो ऑप्शन डी हो गया ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है विच ए आई पावर चैट बॉट हैज लॉन्च बाई गूगल रिसेंटली तो करेक्ट आंसर इज को ऑप्शन बी हो गया बार्ड ओके बार्ड इन द वेक ऑफ रीसेंट अथक्विक इन टर्की एंड सीरिया वॉट इज अ नेम गिवन टू ऑपरेशन बींगड आउट बाई इंडिया करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन दोस्त ऑपरेशन दोस्त हुन द ए डी टी बेस्ट अवार्ड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फॉर दिक्सथ कॉन्स्टिक ईयर ऑप्शन ए एन डी पी सी विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिविक बॉडी इन द कंट्री टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स ऑप्शन ए इंदौर मुंसिपल कॉरपोरेशन सो विच म्यूजिक कंपोजर ऑफ इंडिया हैज वन द प्रेस्टिजियस ग्रामी अवार्ड 2023 ऑप्शन सी हो गया दोस्तों रिकी केज विच कंट्री हैज बिकम द फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फुल मेंबर कौन बने हैं रिसेंटली ऑप्शन डी ब्राजील बना है सो हु हैज लॉन्च व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी फॉर पैसेंजर्स दोस्तों किसने लॉन्च किया है तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडियन रेलवेज डिजी यात्रा फैसिलिटी विल भी इम्प्लीमेंटेड एट हाउ मैनी मोर एयरपोर्ट्स इन द कंट्री ऑप्शन ए फोर ठीक है सो हु हैज साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट की बात करें तो ऑप्शन सी कांगो हो गया क्या कांगो विच इंडियन डजलर हैज़ वोन ब्रॉन्ज मेडल इन जगरेब ओपन चैम्पियनशिप की बात करें तो ऑप्शन ए अमन सहरावत इज इम्पॉर्टेंट हुज़ बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर ए सेंचरी इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑप्शन सी शुभम गिल इनका नाम है विथ स्टेट टीम हैज़ ओन ऑल फोर गोल्ड मेडल्स इन वाटर स्पोर्ट्स कैनआइंगयाकि इन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया मध्य प्रदेश सो हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज कैपिटल आउटले हैज बिन अलोकेटेड फॉर इंडियन रेलवेज इन यूनियन बजट टू की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों टू लाख करोड़ हाउ मेनी टूरिस्ट प्लेसेस विल बी डेवलप अंडर द कंप्लीट टूरिज्म पैकेज की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन है फिफ्टी एज़ पर बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वॉट इज़ अ रिवाइज्ड एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फॉर आई टी आर तो ऑप्शन डी हो गया सिक्सटीन डेज सो इन द बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर द गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड द टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट ऑफ ऑप्शन ए फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो थ्री लाख करोड़ दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट वट इज़ अ फॉरकास्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ रेट इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एज पर द ओल्ड आउटलुक रिपोर्ट ऑफ आई एम एफ़ की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया सिक्स पॉइंट वन परसेंट इन विच स्टेट टैबिलो इंक्लूडेड द सेवेंटी फोर्थ रिपब्लिक डे परेड हैज़ बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज कौन से टैबिलो को फर्स्ट प्राइज दिया गया है ऑप्शन सी उत्तराखंड दोस्तों सो विच बजट हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल ऑप्शन डी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर विच स्टेट है अलवेंस टू अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ थर्ड नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज ऑप्शन बी अहमदाबाद वट हैोगल गार्डन एंड राष्ट्रपति भवन ऑप्शन बी अमृत उड़ान अंडर नाइनटीन वुमेन्स क्रिकेट टीम हुन द फर्स्ट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप डिफिटिंग विच टीम इन द फाइनल ऑप्शन डी इंग्लैंड को हराया था दोस्तों सो इंडिया की टीम ने किसको हराया था इंग्लैंड को विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन है जर्मनी इन विच स्टेट वॉज अ फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी मध्य प्रदेश इंडिया हैज़ साइंड एम वो यू विद विच कंट्री टू ब्रिंग टूवल्व चीताज टू इंडिया एनअली तो ऑप्शन है साउथ अफ्रीका इन द बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर हाउ मिनी विजन्स हैव टोल्ड फॉर द अमृतकाल तो ऑप्शन डी थ्री विजन्स दोस्तों सो विच इंडियन अमेरिकन हैज बिन नॉमिनेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर जनरल इन द यू एस एयर फोर्स की बात करें तो ऑप्शन डी राजा जे चारवी। वॉट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड नाइन्टीन वैक्सीन की बात करें तो ऑप्शन ए इनकोवैक है ठीक है इनकोवैक चलिए सो हु हैजिन अपॉइंटेड एज अ न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे रेलवे के नए जनरल मैनेजर किसको अपॉइंट किए गए ऑप्शन बी नरेश ललवानी हुवलप द विजिबल एमिजन लाइन क्रोनोग्राफ पे लोड फॉर इसरो आदित्य एल वन प्रोजेक्ट तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दट इज़ ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ऑन विच डेट वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है फोर्थ फेबर गूगल पे ट्रिब्यूट विच एक्ट्रेस ऑफ मलयालम सिनेमा ऑन हर वन ट्वेंटी एथ बर्थ एनिवर्सरी थ्रो ए डूडुल तो उनका क्या नाम है ऑप्शन डी पी के रोसी हु हैज बिन अपॉइंटेड एज फर्स्ट उमेन पी एम ऑफ द सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री इक्विटोरियल गीनिया तो ऑप्शन सी मैनुला रोयाबोती मैन्युला रोकाबोती इन विच स्टेट डेट पी एम मोडी इनागरेट द हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ए ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक दोस्तों द मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन है जोधपुर विच इंडियन एथलीट हैज़ वोन गोल्ड इन द शॉर्ट पुट इवेंट एट एशिया इंडोर एथलीट्स चैंपियनशिप की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन है चतेंद्र पाल सिंह टूर बीन अपेयर एज अ न्यू एम डी एंड सी ऑफ फाइजर इंडिया देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी मीनाक्षी होती है दोस्तों चलिए रिसेंटली द यूरोपियन यूनियन हैज अनाउंस टू बैन द सेल ऑफ गैस एंड डीजल कार्स फ्रॉम विच ईयर तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है फ्रॉम द ईयर 2035 इन द व्यू ऑफ साइक्लोन गैब्रियल विच कंट्री हैज डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी तो ऑप्शन सी न्यूजीलैंड वेयर वाज़ द थर्ड ऑरेंज फेस्टिवल 2023 थाउजेंड सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑप्शन सी इम्फाल मणिपुर दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं

तो रिसेंटली कौन बने हैं तो ऑप्शन डी विक्रम देवदूत अनहूज बर्थ एनिवर्सरी पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ट्वेंटी थर्ड जनवरी की बात करें तो ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस इन विच इंडियन फिल्म हैज़ बी नॉमिनेटेड इन द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी इन द दस्करी थ्री की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों एलिफेंट विस्पर्स नॉट डी इट्स ऑप्शन बी इज़ बीज राइट आंसर हाउ मेनी पर्सनल हैव बीन अवार्डेड द प्रेजिडेंट्स फायर सर्विस मेडल ऑन रिपब्लिक डे 2023 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी 47 सेवन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बिकम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ मैरीलैंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी अरुणा मिलर विच ऑनर हैज बिन अनाउंस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पोस्टमस्ट मुलायम सिंह यादव पॉपर्ली अनोज सॉन्न ऑफ द अर्थ ऑप्शन बी पद्म विभूषण दोस्तों वन द मैन सिंगल टाइटल ऑफ इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप रिसेंटली तो ऑप्शन ए कुलावत नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड एट विच आई आई टी इंस्टीट्यूट ऑप्शन बी आई आई टी मेड्रास विच लैंग्वेज पोइट नीलमानी फूकन हैज पासड अवे रिसेंटली तो ऑप्शन ए आसामीस के पोएट थे चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्रिस हेपकिन अलेक्टेड एज फोर्टी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ऑप्शन भी न्यूजीलैंड हो गया हुज़ बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्टिक ऑफ इंडिया ऑप्शन भी कोुल्लम हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों इलेवन हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द सेवेंटी फोर्थ रिपब्बलिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अब्दुल्फताह अल सी सी विथ विच कंट्री डिट द इंडियन आर्मी स्टार्ट जॉइंट मीटिंग एक्सरसाइज साइक्लोन की बात करें तो ऑप्शन डी इजिप्ट हो गया विच फाउंडेशन डे व सेलिब्रेटेड बाई नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रिसेंटली तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी एटीनथ हाउ मनी टैबलेक्स और डिस्प्लेट इन द सेवेंटी फोर्थ रिपब्लिक डे परेड कितने टैबलेक्ट्स दिखाए गए तेईस दोस्तों हाउ मेनी आईलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आईलैंड हैम्ड आफ्टर परमवीर चक्रा विनर्स की बात करें तो ऑप्शन बी ट्वेंटी वन आईलैंड को नाम रखा गया तो हुज़ बिकम द डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया ऑप्शन सी पंकज कुमार सिंह विच कंट्रीज आर रॉन्ग बॉनी गैब्रियल हैज़ बिकम हैज़ बीन इलेक्टेड मिस यूनिवर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी अमेरिका वट इज अ रैंक ऑफ इंडिया इन हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑप्शन बी एटी फिफ्थ दोस्तों याद रखिए नॉट एटी नाइन इट्स एटी फिफ्थ विच पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज़ बिकम द टेक्निकल चीफ ऑफ नासा की बात करें तो ऑप्शन सी ए सी चरनिया ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन बी आर ओ टू बी पोस्टेड ऑन फॉरिन असाइनमेंट्स की बात करें तो करेक्ट आंसर okay. तो, है इसका ऑप्शन बी कैप्टन सुरभि जगमोला ऑन हुज़ बर्थ डे नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेल्थ जनवरी तो ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद हु हैज़ वन द अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म ड्रामा एट एटीथ एडिशन ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स तो ऑप्शन भी फैबल मुन्स द फीमेल क्रिकेटर हैज़ बिन अवार्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द दिसंबर 2022 कौन से क्रिकेटर हैं तो ऑप्शन हो गया एशली गार्डनर दोस्तों ऑन विच डेट वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑप्शन ऑन टेंथ जनवरी हु हैज़ बिन गिवन बहरेन आई एस ए फॉर द ह्यूमन सर्विस तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नेपाली डॉक्टर संदुक सो विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव फुल्ली डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो ऑप्शन है केरला विच इंडियन स्टेट हैज बिन अवार दू एनबिटेड वर्ल्ड हैबिटेड अवार्ड फॉर जागा मिशन की बात करें तो ऑप्शन सी उड़ीसा हुज बिकम द इंडियाज फास्टेस्ट बॉलर रिसेंटली तो ऑप्शन सी उमरान मलिक एंड हुज बीन द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू एक्टिवली डिप्लॉय इन सियाचिन तो ऑप्शन डी है कैप्टन शिवा चौहान सो हुज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ अटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी दिनेश कुमार शुक्ला हाउ मेनी पीपल आर गिवन इन प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन बी ट्वेंटी सेवन इन्वेस्टेट इंडियाज फर्स्ट मोबाइल आई वी एफ लैब फॉर द एनिमल्स हैज़ बिन स्टार्टेड दोस्तों तो ऑप्शन डी हो गया गुजरात विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द ट्वेंटी यूरोपियन कंट्री टू अडॉप्ट यूरो करेंसी यूरो करेंसी अडॉप्ट करने वाली बीसवीं कंट्री कौन सी बनी है ऑप्शन बी क्रोशिया बनी है

And which country famous footballer Pele has passed away uh, recently? Those two that is option A eh? Brazil. Which country social activist Elida Guevara has been selected for first KR Gauri Amma National Award? Option B Cuba. Which Indian has got second rank globally in the Brand Guardianship Index 2023? Option B Mukesh Ambani. After Chhattisgarh, Rajasthan, Punjab, which state has recently revived the old pension scheme for? गवर्नमेंट एम्प्लाइज दैट इज ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश इन विच सिटी वॉज अ फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज अंडर जी ट्वेंटी चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी तिरुवंतापुरम दोस्तों विच ब्रिटिश इंडियन हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विथ फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंडन अवार्ड दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी मनीष तिवारी हु हैज़ बिकम द हंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचरी इन वन इंटरनेशनल क्रिकेट ये भी इंपॉर्टेंट है डबल सेंचरी स्कोर किए हैं ऑप्शन डी शुभम गिल विच के कंट्रीज़ वाइस प्रेसिडेंट बदारा अलीयू जुफ पासड अवे इन इंडिया रिसेंटली ऑफ्टर इलेस ऑप्शन सी गैम्बिया के इंडो रशियन जॉइंट वेंचर हैज़ मेड द फर्स्ट बैच ऑफ ए के टू जीरो थ्री असल्ट राइफल्स एट कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कौन से स्टेट में है यह आपको बताना है ऑप्शन उत्तर प्रदेश विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बिन ऑनर्ड विद द मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा बवी लाला विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच कंट्री विल इशू ए पोस्टे स्टैम्प विद पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया फर्स्ट पी एम जवाहरलाल नेहरू ऑन इट्स सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो ऑप्शन डी श्रीलंका वट इज द थीम ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम uh, की बात करें ऑप्शन बी कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड नेवल एक्सरसाइज वरुण वाज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री तो ऑप्शन सी फ्रांस हो गया दोस्तों ठीक है सो विच कंपनिया रिसेंटली अक्वायड द मीडिया राइट्स ऑफ वुमेंस आई की बात करें तो ऑप्शन बी वयाकॉम एटी इन विच स्टेट इज विदिशा द फर्स्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट सिक्स जी टेक्नोलॉजी लोकेटेड तो ऑप्शन डी हो गया है मध्य प्रदेश ठीक है चलिए सो विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद गरुड़ा एयरोपेस अंडर किशान पुष्पक योजना ऑप्शन भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विच फिल्म वन द बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड एट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों आर 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 विच ऑर्गनाइेशन हैज़ रिलीज द सेवनटीन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोमिक फॉरम विच कंट्री फेमस सिंगर लिसा मैरवी प्रसली पासड अवे रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पीएम मोदी मोडी फ्लैग ऑफ द रिवर क्रूज एम बी गंगा विलास फ्रॉम वाराणसी इनविस सिटी विल दिस जर्नी एंड कहाँ पे जाके एंड होगी ये डिब्रूगढ़ में एंड होगी इनविस सिटी विल द टाटा पावर रिन्यूएबल सेटअप इंडियाज फर्स्ट सोलर पवर प्लान फॉर हाउसिंग सोसाइटीज ऑप्शन सी मुंबई हो गया दोस्तों अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इकोमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक वॉट इज एक्सपेक्टेड इकोनमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट दोस्तों ईयर ऑफ एंटरप्राइज प्रोजेक्ट इज अ मेजर स्कीम ऑफ विच स्टेट ऑप्शन डी केरला ठीक है सो इंडिया का पहला फाइव जी एनेबल्ड ड्रोन हैज़ बिन डेवलप बाई विच स्टार्टअप कौन सी स्टार्टअप कंपनी ने फाइव जी एनेबल्ड ड्रोन को डेवलप किया है ये पूछा जा रहा है दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों दैट इज आई जी ड्रोन ठीक है चलिए यूनियन मिनिस्टर सर्वंदा सोनोवाल एज इनागरेटेड स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन इन विच सिटी ऑप्शन सी अगरटला इन्वेस्टेट और कुमार कुमरअकोम एंड बाईपोर सेलेक्टेड अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 पॉइंट वो स्कीम दैट इज ऑप्शन बी केरला हो गया रिसेंटली द सॉन्ग नाट टू नॉट टू फ्रॉम द फिल्म आर 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 हैज़ रिसीव द गोल्डन ग्लोब सॉन्ग हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ आर 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 ऑप्शन डी एस एस राजा मोल चलिए अकॉर्डिंग टू द सी पी सी बी रिपोर्ट विच वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन बी डेली हो गया In which city was 83rd All India Presiding Officer Conference held? to Option B. Jaipur ho gaya, Which Indian Public Sector Bank has received RBI approval to hold exclusive repeat was through accounts of 3 Sri Lankan banks? to Option D. Indian Bank Which Indian player has scored the 2nd highest ever score in Ranji Trophy history? Option C. Prithvi Shah Which country footballer Gareth Bale has retired recently? to Option C. To Wales यूनवर्सिटी सेवेंटी फिफ्थ आर्मी डे वर्गेनाइज ऑन द फिफ्टींथ जनवरी की बात करें तो ऑप्शन सी बेंगलुरू विच यूनियन मिनिस्ट्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनाग्रेट नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इन विच स्टेट ऑप्शन है पंजाब हु वोन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल की बात करें ऑप्शन सी एस एस राजा मोली इनवर्स सिटी वॉज द सेवनटीन प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज तो ऑप्शन ए इंदौर हो गया Where was the Bailey suspension bridge has been inaugurated recently? So, option B Jammu Kashmir. Dostu. Which Indian player has recently won the prestigious under 15 British Open Squash title? Ki baat kare to option D Anhat Singh. Hai. Recently, RBI has announced to issue sovereign green bond worth how many crores? Option A 16,000 crores. Okay. According to the best uh, CMIE report, which state has been recorded the highest unemployment rate in December 2022? Answer, recently, country, airport, accident, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी हरियाणा रिसेंटली विच कंट्री पोखरा एयरपोर्ट हैड ए मेजर एक्सीडेंट तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों नेपाल द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री इज़ अहम्मद इरफान अली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की बात करें तो ऑप्शन है यूनिया हो गया दोस्तों सो इन विस्ट स्टेट हैज़ अ मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना हैज़ बिन लॉन्च रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है मध्य प्रदेश विच प्लेयर हैज़ रिसेंटली वोन द बोथ वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिड्स चेस टाइटल्स की बात करें तो किसने जीता है ऑप्शन डी मैगनेस कार्लसन वेट इट पीएम मोडी इन दन एट इंडियन साइंस कांग्रेस की बात करें तो ऑप्शन सी नागपुर एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्टेट आईकॉन ऑफ द बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द वोटर्स तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी होगा मिथिला ठाकुर सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ पोर्चुगल इज एसोसिएट विद विच फुटबॉल क्लब की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन ए अल नसार विच इंडियन प्लेयर हैज़ बिन शॉर्ट लिस्टेड फॉर आई सी सीमेंस जी क्रिकेट ऑफ द ईयर टू की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया सूर्य कुमार यादव विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बिन नेम्ड एज सेक्रेटरीट ऑफ द जी ट्वेंटी साइंस वर्किंग ग्रुप देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी आई आई एस सी बेंगलुरू दक्ष इज़ अ पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉडल रन बाई विच ऑर्गेनाइजेशन तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों सो इनविस सिटी वॉज अ जी ट्वेंटी डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट ऑर्गेनाइज तो ऑप्शन ए हो गया बेंगलुरु ठीक है चलिए हाउ मेनी मेगावाट ऑफ मार्ग देहू हाइड्रोपोवर प्रोजेक्ट हैज बिन हैंडेड ओवर बाई इंडिया टू भूटान ड्रग ग्रीन पॉवर कारपोरेशन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए हो गया सेवन ट्वेंटी मेगावाट इन्वे सिटी इंडियन आर्मी इनगरेटेड द फर्स्ट थ्री डी प्रिंटेड हाउस की बात करें तो ऑप्शन है अहमदाबाद ने सिस्टम इज एन इनिशियेटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू स्कीम अनाउंस अंडर स्टेशन रीडेवलपमेंट कैंपेन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आज अमृत धरा स्टेशन स्कीम विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज स्पेशल स्टैम्प टू मार्क सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस की बात करें तो ऑप्शन बी सर्बिया विथ होम एन टी पी आर साइन एन एम ओ यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन मेथेनॉल की बात करें तो ऑप्शन ए उ ग्रुप दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं सो वू हैजॉप द मेडल टैली इन द आर्चरी एशिया कप 2022 की बात करें तो किसने जीता है दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी इंडिया एंड हु हैज़ बिन गिवन दर्टीथ एक लव्य पुरस्कार 2022 रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी स्वास्थ्य सिंह रिसेंटली हु बिकम द न्यू चेयरमैन एंड सी ऑफ रेलवे बोर्ड तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनिल कुमार लहोती एंड हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संतोष कुमार यादव अनूज बर्थडे गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया अटल बिहारी वाजपेयी विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली सक्सीडेड इन प्रिपेयरिंग आर्टिफिशियल हार्ट तो ऑप्शन बी आई आई कानपुर सितवानी रबुका हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री पूछा जा रहा है ऑप्शन ए हु हैज़ हु द फीफा ओल्ड रैंकिंग्स टू टू ऑप्शन सी ब्राजील हो गया दोस्तों हु हैज़ रिसेंटली बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आई पी एल बाई गेटिंग एटीन पॉइंट फाइव जीरो करोड करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी सैम क्यूरन इंग्लैंड के दोस्तों हु हैज रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन बी हो गया बद्री नारायण विच क्रिकेट टीम हैज़ हैजन द टाइटल ऑफ ब्लाइंड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन सी इंडिया हो गया दोस्तों विच क्रिकेट विच कंट्री करीम हैज रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल तो ऑप्शन ए फ्रांस हो गया हुज़ बिन सेलेक्टेड एज पेटा इंडिया पर्सन ऑफ दयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन ए सोनाक्षी सिन्हा हो गया दोस्तों सो विच फुटबॉल टीम हैज़ वोन द फीफा वर्ल्ड कप टू टाइटल किसने जीता है तो ऑप्शन डी अर्जेंटीना ने जीता है विच इंडियन ब्यूटी हैज़ वोन द मिस वर्ल्ड टू कंटेस्ट की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों सरगम कौशल द गवर्नमेंट ऑफ विच फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ इम्पोज लाइफ टाइम बैन ऑन यूथ स्मोकिंग तो ऑप्शन डी हो गया न्यूजीलैंड

तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए दिसंबर विच क्रिकेट टीम हैज हैजन द टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया सौराष्ट्र विच इनिशिएटिव ऑफ इंडिया हैज बिन रैंक्ड अमॉन्ग द टॉप टेन ओल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप बाई यूनाइटेड नेशन तो ऑप्शन बी नमामि गंगे विच एयरलाइंस है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द एयर अवार्ड फ्रॉम जी एम आर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो ऑप्शन ए स्पाइस जेट हो गया एंड रीसेंटली इंडिया कंडक्टेड अनदर सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ बेलिस्टिक मिसाइल अग्नि फाइव वट इज इट फाइव पावर तो ऑप्शन डी फाइव थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके सो हुम द फर्स्ट वुमन पुलिस कमिश्नर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन ए हो गया लक्ष्मी सिंह विच फाउंडेशन डे हेज़ द बॉडर सिक्योरिटी फोर्स सेलब्रेटेड ऑन फर्स्ट दिसंबर की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया फिफ्टी एट सो हुज़ बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन की बात करें ऑप्शन सी पी टी ऊषा विच कंट्री टेनिस टीम हैज़ ओन द डेविस कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टाइटल तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कैनेडा अनवर इब्राहिम हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच एशियन कंट्री तो करेक्ट आंसर है इसका दट इज ऑप्शन सी दोस्तों दट इज मलेशिया रिसेंटली दूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्च द लोगो ऑफ फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटीड दिस विल गेम ऑर्गेइज कहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाला है ये ये होगा मध्य प्रदेश में होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट विच ऑरगेड शेड हेज रिसेंटली सेंटर एट सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया सी बी आई सी विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च राइट टू रिपेयर पोर्टल दोस्तों तो ऑप्शन सी पीयूष गोयल आफ्टर हुम हैज इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री नेम ए स्टार तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया अटल बिहारी वाजपेयी हु द न्यू पी एम ऑफ नेपाल रिसेंटली तो ऑप्शन सी हो गया पुष्प कमल दहल प्रचंडा which फ्रेंच फुटबॉलर हैज़ अनाउंस इज रिटायरमेंट from इंटरनेशनल फुटबॉल ऑन इज थर्टी फिफ्थ तो ऑप्शन भी हो गया करम करीम which state स्टेट यूनियन टेरेटरी highest स्कोर अंडर द रीसेंट रिलीज सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करें तो ऑप्शन है पुडुचेरी वट इज अम ऑफ फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन इंडक्टेड into द इंडियन नेवी तो ऑप्शन सी होगा गया एन एस वगीर सो विथ स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव द वेर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी होगा उत्तर प्रदेश विथ इंडियन रेजलर हैज बी नॉमिनेटेड फॉर यूनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी लास्ट फंगल विथ स्टेट हैज़ रिसेंटली गिवन इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर ऑप्शन बी असम द सॉन्ग नाट टू फ्रॉम द ब्लॉक बास्टर फिल्म आर 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 हैज़ बीन शॉर्ट लिस्ट फॉर द ऑस्कर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हु इज द कम्पोजर ऑफ दिस सॉन्ग ऑप्शन बी एम एम किरावानी विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैज़ बी नॉमिनेटेड इन द ड्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी एट द ऑस्कर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी एलिफेंट विस्पर्स विच एथलीट हैज बी नॉमिनेटेड टू द वाइस चेयरमैन पैनल इन राज्यसभा तो ऑप्शन है पी टी षा वट इज़ अ नेम ऑफ द फर्स्ट शिप ऑफ एंटी सबमेरिन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट लॉन्च द इंडियन नेवी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आई एन एस अरनाला रिसेंटली ज्योतिरादित्य शिखंडियाज लॉन्च द कंट्री फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड तो इसका नाम क्या है दोस्तों ऑप्शन in है कल्याणी फॉरेस्टा विच इज़ द ओली यूनिवर्सिटी इंडिया टू गेट ए ग्रेड बाई एन डब्ल ए सी तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच हैज़ बोन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एट डिजिटल इंडिया अवार्ड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन है प्लेटिनम आइकॉन Which country has launched the group of friends to promote accountability for crimes against peacekeepers? So the answer is ka option D India. Dosto. Where will be the first meeting of G20 finance track agenda under G20 presidency will be held. So is the correct answer he, option A, Bengaluru. So which is the first payment gateway in India to support credit cards on UPI. Option D Razor Pay. Which organization has released the report Climate Investment Opportunity in India's कूलिंग सेक्टर की बात करें तो ऑप्शन भी वर्ल्ड बैंक हो गया दोस्तों चलिए हुज स्टॉप द फॉर्प्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लिस्ट ऑफ हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उर्सुला उर्सला वेरलियन विद सिटी ऑफ इंडिया सेलेक्टेड द तो होस्ट टू अंडर ट्वेंटी साइकिल अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ जी ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन है अहमदाबाद हो गया वॉट इज द नेम ऑफ द पी फिफ्टीन भी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंडक्टेड इन टू द इंडियन नेवी तो ऑप्शन है आई एन एस मुरमोगांव हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद गोल्डन बॉल अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी लियोनल मेसी है दोस्तों इन विस सिटीज द नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च हैज़ बिन इनागरेटेड ऑप्शन डी हैदराबाद इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एक्साज काजिन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉज ऑर्गेइज बाई आर्मीज ऑफ इंडिया एंड कजाकिस्तान की बात करें तो ऑप्शन डी मेघालय हो गया दोस्तों हुज़ वोन द टाइटल ऑफ बी बी सी स्पोर्ट्स पर्सनलिटी ऑफ द ईयर तो ऑप्शन है बिथ मेय हो गया बिथ मेयथ इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरेटी ऑफ इंडिया इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व हैज बिन स्टाब्लिश्ड तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी लद्दाख हो गया दोस्तों विच कंट्री हैज़ बिन थ्रोन आउट ऑफ द यू एन वन ग्रुप तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी ईरान एंड हुज बिन सेलेक्टेड एज नेक्स्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ डब्ल्यू एच ओ तो ऑप्शन सी दोस्तों डॉक्टर जेरिमी फरार पर हु इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब हैज स्टार्टड ओके क्लाइमेट क्लब हैज स्टार्ट ऑप्शन है जी सेवन हु हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार ऑप्शन बी मारुति सुजुकी ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ क्रिस गेल टू स्कोर द फास्टेस्ट टू हंड्रेड रन इन द ओ डी आई इनिंग्स की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ईशान किशन दोस्तों हुज ओन द टाइटल ऑफ बी इंडियन स्पोर्ट्स वोमन ऑफ द ईयर अवार्ड तो ऑप्शन सी हो गया मीराबाई चानू विच प्लेयर हैज बिन अवॉर्डेड द आई मेन्स प्लेयर ऑफ दी मंथ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन बी जॉस बटलर हो गया सो विच प्लेयर हैज बीन अवार्डेड द आईसीसी सी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022 ऑप्शन सी सिद्रा अमीन पाकिस्तान की विथ विच कंट्री इंडिया साइंड जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की बात करें तो ऑप्शन ए फिनलैंड विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन तो ऑप्शन डी तमिलनाडु दोस्तों विच प्लेयर हैज़ वोन द गोल्ड इन वुमेन्स एयर पिस्टल एट दिक्सटी फिफ्थ नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी दिव्या टी एस आफ्टर हुम इज़ द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा नेम तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मनोहर पारेकर हु हैज़ बिकम द एटींथ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रिसेंटली तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए भूपेंद्र पटेल विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट अरब मेड लूनार स्पेस क्राफ्ट तो ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब एमरेट्स दोस्तों विच वर्ल्ड हैज़ विच वर्ल्ड हैज़ वन द ऑक्सफर्ड वर्ड ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन सी गॉबलिन मोड विथ स्टेट हैज़ एस्टेब्लिश द फर्स्ट दिव्यांग डिपार्टमेंट इन इंडिया तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी महाराष्ट्र ओके हुयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बाई टाइम्स मैगजींस की बात करें तो ऑप्शन सी व्लाडमर जेलेंस की ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सो हु हैज सोनिन एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ द पेरू तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी दिना बुलारते वट इज अ रैंक ऑफ इंडिया इ वर्ल्ड स्ट्रॉगेस्ट पासवर्ड लिस्ट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू पब्लिश बाई एन कैपिटल तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी एटी सेवन सो वेर हैज़ द नाइंथ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एक्सपो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेज बीन इनागरेटेड तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों गोवा एंड हुज़ वन दिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड इन कोलंबिया तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मीरा भाई चानू वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड फाइनेंशियल अस्टेंस ऑफ टू फिफ्टी मिलियन डॉलर टू विच कंट्री फॉर एनविरोमेंटल मैनेजमेंट ऑप्शन भी बांग्लादेश विच वैल्कन अरेप्टेड इन इंडोनेशिया ऑन फोर्थ दिसंबर तो ऑप्शन बी सेमेरो माउंट दोस्तों इंडिया फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ए टी एम हैज़ बिन सेटअप अंडर विच सिटी तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद वेन इज नैवी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑप्शन भी फोर्थ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है विच डबल पेयर हैज़ वोन मिक्स टीम पिस्टल टाइटल इन द नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप की बात करें तो ऑप्शन सी मानू बाखिर एंड सरबजोत द फस्ट जी ट्वेंटी शर्पा मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्गनाइज इन विथ सिटी ऑप्शन भी हो गया उदयपुर वट इज़ अ रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग की बात करें ऑप्शन भी फोर्टी एट दोस्तों वेन इज़ वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑप्शन है फर्स्ट दिसंबर एंड इन विस स्टेट वॉज अ हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी नागालैंड सो विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च नए चेतना अभियान की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन विच कंट्री साइंटिस्ट हैव रिव्यूड 48,500 इयर्स ओल्ड जॉम्बी वायरस बरेड इन आइस तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया रशिया सो हु इज़ टू सेट अप द फर्स्ट वुमेन रेफरी इन मेन्स वर्ल्ड कप गेम की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन बी स्टेफनी फापट हु हैज़ बी नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ निक्शय मित्रायान इनिशिएटिव अंडर द प्राइम मिनिस्टर टी बी फ्री इंडिया कैंपेन की बात करें तो ऑप्शन है दीपा मलिक विच एयरलाइन हैज़ बिल बी मर्च विद द टाटा ओन्ड एयर इंडिया बाई मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी विस्तारा दोस्तों विच कंपनी हैज डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल कोविड वैक्सीन की बात करें सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत बायोटेक वाट इज द टीम ऑफ सेवंथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ऑप्शन है जियो पोलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट जियो फाइव जी सर्विसज इन ऑल ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन भी गुजरात हो गया द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन इवाइटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेशन तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए इजिप्ट इन विच सिटी विल एरो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विल बी हेल्ड ऑप्शन ए बेंगलुर विथ स्टेट विल गेट्स इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी बाई स्काई रूट एरोस्पेस ऑप्शन बी तेलंगाना हो गया दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिच इंडियन जुआलॉजिस्ट है यू एन ई पी चैम्पियस ऑफ अर्थ अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है पूर्णिमा देवी वर्मन रिसेंटली विच वर्ड हैज़ बिन चूजन बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो कौन सा वर्ड इन्होंने uh, चुना है तो ऑप्शन सी हो गया हॉमर ओके विथ स्टार फुटबॉलर हैज लेफ्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड रिसेंटली तो ऑप्शन सी हो गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद प्रसिजियस डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है दट इज ऑप्शन डी हो गया रवि कुमार सागर वट इज अ रैंक ऑफ इंडिया द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू दे करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन भी सिक्सटी फर्स्ट विच कंट्री पार्लियामेंट हेज़ पासड ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ इंडिया तो ऑप्शन सी हो गया ऑस्ट्रेलिया इन विच स्टेट वॉज द इंटीग्रेल्ट या फिर इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनुष ऑ ऑर्गेनाइज बाई इंडियन आर्मी रिसेंटली तो ऑप्शन है राजस्थान हो गया दोस्तों इन विच कंट्री वॉज अ सारंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाई इंडियन एम्बेसी की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया साउथ कोरिया वॉट इज़ अ रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स रिलीज बाई फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो ऑप्शन भी एट्थ रैंक कौन सा रैंक है एट्थ रैंक है दोस्तों हु हाउ मनी प्लेयर्स हैव बिन ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड इन द नैशनल स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ट्वेंटी फाइव What is the theme of 25th National Conference on E-Governance? That is Option Bringing Citizen, Industry, Government Closer Okay, Who has been honoured with JCB Prize for Literature 2022? Then uh, the correct answer will be <coughs> That is Option C, hogaya, Khalid Javid When is World Diabetes Day celebrated every year across the world? So Option C hogaya, so ko, Which cricket team has recently won the ICC Men's T20 World Cup title की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी इंग्लैंड एंड हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सुमित्रा चरत राम अवार्ड तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उमा शर्मा ठीक है सो हु हैज़ प्रिपेयर द फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ अटलांटिक ओशन फ्लोर रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैरी था हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एट आई डब्ल्यू एफ आई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी चिरंजीवी हो गया ठीक है सो हु हेज़ रिसेंटली बिन ऑनर्ड विद द गांधी मंदेला अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी दलाई लामा ठीक सो विच टू राइटर्स हैज़ रिसव थर्टी फर्स्ट एंड थर्टी सेकेंड बिहारी पुरस्कार की बात करें तो ऑप्शन सी मधु कंकारिया एंड माधव हदा फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज़ अक्वायर्ड चेयरमैनशिप ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करे तो ऑप्शन सी फ्रांस हो गया दोस्तों ठीक वन द टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ए टी पी फाइनल्स सिंगल टाइटल की बात करें तो ऑप्शन बी नोवाक जुकोविक विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ अग्रीड टू सेटअप ए स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड तो ऑप्शन है सी ओ पी ट्वेंटी सेवन एंड हुज बीन द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी लैंस नायक मंजू ओके चलिए सो विच क्रिकेट टीम हैज़ रिसेंटली ओन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी मुंबई वेन इज द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन सी हो गया फोर सेवनटीन हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द एथलेटिक्स कमीशन ऑफ आई डब्ल की बात करें तो ऑप्शन बी शरत कमल दोस्तों बट स्टेट हैज बिकम द ओवरऑल टीम चैंपियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन डी मणिपुर ठीक है कैमोंग हाइड्रो पावर स्टेशन हैज इनग्रेटेड इन विद स्टेट तो करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन ए मेडल इन एशिया कप टेबल टेनिस टोर्नामेंट की बात करें तो ऑप्शन है मनी का बत्रा विच कंट्रीज गिवन द एग्जाम्शन टू इंडियन सिटीजन टू सबमिट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर ऑप्टेनिंग वीजा तो ऑप्शन है सऊदी अरेबिया दोस्तों इंडिया होस्टेड द लीड आई टी समिट विच विच कंट्री ऑन साइड लाइन्स ऑफ सी ओ पी ट्वेंटी सेवन इन इजिप्ट की बात करें तो ऑप्शन भी स्वीडन हो गया है क्या है स्वीडन इन विच सिटी द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल मीडिया कांग्रेस इज बिंग ऑर्गेनाइज देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी अबू धाबी मून रॉकेट अर्थमेस वन हैज़ बिन लॉन्च बाई विच कंट्री तो ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुज़ अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेम्बर ऑफ नीति आयोग दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अरविंद विरमानी विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया पेशा एक्ट की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी मध्य प्रदेश ओके सो वो हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज़म की बात करें

तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों मैरी कॉम सो हु विल बी गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी शरत कमाल अचंटा वू विल बी ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन है कैरलोसौरा दोस्तों हु हैज बीन नेम्ड एज द प्लेयर ऑफ द टोर्नामेंट इन द आई सी सी मेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी सैम क्यूरन सो विच ग्रुप हैज़ लॉन्च वन पॉइंट फोर बिलियन डॉलर फंड टू टैकल द नेक्स्ट ग्लोबल Uh, तो तो, पैंडमिक की बात करें तो ऑप्शन बी जी ट्वेंटी दोस्तों हैज बीन अवार्डेड द रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ ब्रिटेन फॉर इज डिस्टिंग सर्विस टू द साइंस तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी वेंकी रामाकृष्णन हु हैज़ गॉट द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात करें ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री विच कंट्री हैज़ बीन रिमूवड बाई द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट ऑप्शन डी इंडिया को रिमूव कर दिया गया है वट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिपॉजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर यूनिवर्सिटी हैज द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ साउथ इंडिया हैज़ बीन फ्लैगड ऑफ तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु ठीक है सो विच कंट्री विल होजमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन ए इंडिया हो गया विच शिपयार्ड कंपनी विल बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरन वेजल की बात करें तो ऑप्शन भी कोचिन शिपिया हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज फर्स्ट मैन प्रेजिडेंट ऑफ तो देन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन सी नटासा पर्क मुसर विच कंट्री विल होस्ट अंडर नाइनटीन मेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर की बात करें तो ऑप्शन ए श्रीलंका हो गया दोस्तों विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड मिलेट डे ऑन नवम्बर टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू प्रमोट द कल्टिवेशन एंड कंज्शन ऑफ द्रॉप तो ऑप्शन डी हो गया रिसेंटली नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स की बात करें तो ऑप्शन सी किशोर बासा बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया तो ऑप्शन बी ऋतुराज अवस्थी दोस्तों विच एरोस्पेस कंपनी विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप रॉकेट की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्काई रूट एयरोट ए बिल हैजिन पास टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर पूर बैकवर्ड क्लासेस टू सेवन सेवन पर्सन की बात करें तो ऑप्शन सी झारखंड इंडक्टेड इन टू आई सी सी हॉल ऑफ दू था नारायण चंद्रपॉल प्रपोजल टू इन्वॉल्व रिटायर आर्मी वेटरन्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्टेट पुलिस पर्सनल तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी असम हो गया चलिए नेक्स्ट देखते हैं अरुणा मिलर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ टे की बात कर रहे हैं ऑप्शन है मैरीलैंड विच इज द ओली इंडियन कंपनी टू फीचर इन द टॉप हंड्रेड इन दॉपर्ल्ड टॉप एम्प्लॉय रैंकिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दट इज ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री इसरो इज प्लानिंग टू एक्सप्लोर द शैडो शेड ऑफ द मून इन कोलाबोरेशन विद विच कंट्री तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जापान हो गया है विच वर्ड हैज बिन डिक्लेयर एज ऑफ दर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बाई कॉलिंग डिक्शनरी तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी परमा क्राइसिस विच कंट्री हैज ऑपरेटेड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड इंडिया एट टेक मेजर बाइजूस हैव अपॉइंटेड होम एज ए ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी लियोनो मेसी वॉट इज़ द थीम ऑफ इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर दोस्तों द मदर लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाई विच कंट्री तो इसका जो करेक्ट आंसर है दट इज ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बाई हुम हैज द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड तो ऑप्शन डी हो गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हुज़ बिकम द फर्स्ट जी सेवन लीडर टू विजिट चाइना इन थ्री ईयर्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओलाफ्स कॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच पार्लियमेंट्री फोर्स टू वुमेन ऑफिसर्स हैव बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ आई जी की बात करें तो ऑप्शन ए सी आर पी एफ दोस्तों ठीक है चलिए सो विच कंट्री हैज़ लॉन्च द लैब मॉडल मैंगशियान फॉर इट्स स्पेस स्टेशन तो ऑप्शन डी हो गया चाइना ठीक सो विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ रिसेंटली अनाउंस फी फॉर द वेरीफाइड अकाउंट्स की बात करें तो ये ट्विटर है राइट ऑप्शन ए ट्विटर हु हैज़ बीन अवार्डेड द कर्नाटका रत्न अवार्ड पोस्ट मोस्ली दिन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी हो गया दोस्तों पुनित राजकुमार विच स्टेट हैज़ अनाउंस चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की बात करें तो ऑप्शन बी ओडिशा वो हैज़ बिन पोस्टमोस्टली अवॉर्डेड द फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर बाई बांग्लादेश की बात करें तो ऑप्शन है एडवर्ड यम कैनडी इंडिया फर्स्ट एक्वा पार्क विल भी सेटअप इन विथ स्टेट तो ऑप्शन भी हो गया अरुणाचल प्रदेश इन विद स्टेट द फर्स्ट डेटा सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया हैज़ बिन सेटअप तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन यूपी वो हैज बिन अपॉइंटेड एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन टीम फॉर द अपकमिंग टी ट्वेंटी सीरीज इन द न्यूजीलैंड तो ऑप्शन डी हो गया हार्दिक पांड्या विच कंपनी रिसीव्ड इंडिया इज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन तो ऑप्शन डी टाटा स्टील दोस्तों टी पी राजीवन हु पासड अवे ऑन सेकेंड नवंबर वॉज ए फेमस इन विच फील्ड ऑप्शन सी राइटिंग दोस्तों विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम नंबर वन टी ट्वेंटी बैट्समैन इन द वर्ल्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी हो गया सूर्य कुमार यादव वॉट इज़ द थीम ऑफ द सेवेंथ इंडिया वाटर वीक दैट इज़ ऑप्शन सी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी ठीक चलिए नेक्स्ट चलते हैं सो नेशनल इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन द अकेजन ऑफ हुज बर्थ एनिवर्सरी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल हुज़ वोन द फीफा अंडर सेवेंटीन वुमेंस वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टाइटल की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्पेन हो गया दोस्तों ओके है फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैम्प हैज़बिन ऑर्गेनाइज इन विच सिटी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए श्रीनगर विच इंडियन फॉर्म विल सेटअप मंगोलिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड रिफाइनरी की बात करें तो ऑप्शन ए मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विच इंडियन पेयर हैज़ वोन द फ्रेंच ओपन मेन्स डबल्स टाइटल इन बैडमिंटन तो ऑप्शन सी सत्विक सहराज रानी के आर रेड्डी एंड चिराग शेट्टी सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिपोर्ट By which year will the global emission be at the highest level? So wow. option D is 2025. In which state of India the orbital rail corridor has been launched? Option B Haryana dosto. Which airport in India has been declared as the tenth busiest airport in the world? So the correct answer that is option D, Indira Gandhi International Airport. Okay. Which state of India celebrated its foundation day on November 9, 2022. तो ऑप्शन सी हो गया उत्तराखंड ठीक विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द पैसिफिक रीजन टू होस्ट द ओल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है फी जी विच स्टेट फॉर इंडियन टेरेटरी हैज लॉन्च द समृद्धि टैक्स वेवर स्कीम की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी दिल्ली हो गया ठीक है सो हैज़ बिन अवार्डेड द टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सखरव प्राइज फॉर द फ्रीडम ऑफ थाट की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पीपल ऑफ यूक्रेन विच स्टेट हैज़ रीसेंटली बिन डिक्लेयर एज अ हंड्रेड परसेंट घर घर जल स्टेट तो ऑप्शन सी गुजरात विच कंट्री हैज रिसेंटली पास द्लेन लैंग्वेज एक्ट ऑप्शन ए हो गया न्यूजीलैंड एंड हुज़ बिन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम फॉर द एफ आई एच प्रो लीग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेज रीसेंटली टेकन ओवर बाय द टेस्ला चीफ एलॉन मस्क ट्विटर फोर्टी फोर बिलियन डॉलर पे इन्होंने खरीदा है ठीक है एंड हुज बिन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी सी वी आनंद बोस दोस्तों सो रिसेंटली हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड की बात हो रही है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी युवराज सिंह हु ऑफ द इंडियन हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी ऋषि सोनक सो रिसेंटली उल्फ क्रिस्टरसन हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच यूरोपियन कंट्री तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है स्वीडन एंड हुजॉप इन द रीसेंटली इंडिया लिस्ट ऑफ डोनर्स फॉर द इयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैन ऑप्शन वी शिव नदर विच कंट्री हैज रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज बाई एफ ए टी एफ की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी माइनमार हो गया दोस्तों ठीक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन ए गोल्ड मेडल इन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी अमन शहरावत दोस्तों सो विच कंट्री हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टॉप ट्वेल्व चेस प्लेइंग नेशंस फॉर द मेन ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड टीम चेस चैम्पियनशिप की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों इंडिया ओके एंड हाउ मेनी सैटेलाइट्स हैव बीन पुट इनटू ऑर्बिट बाय इसरो इसरोस्ट रॉकेट एल वी एम थ्री एम टू की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी थर्टी सिक्स रिसेंटली हुज़ बिन अपॉइंटेड एज अव रेवन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन द प्लेस ऑफ तरु बजाज की बात की जा रही है तो इसका जो करेक्ट uh, आंसर है ऑप्शन है संजय मल्होत्रा एंड हु हैज बिन सेलेक्टेड इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ बी सी सी आई देन ऑप्शन सी रॉजर बिन्नी जस्टिस डी वाई चंद्रच्यूत हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कौन से नंबर के बने फिफ्टी एथ हुज बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर टू इंडिया की बात करें तो ऑप्शन है एलिजेथ जॉन्स विद स्टेट हैज़ सिक्यूर्ड द फर्स्ट पोजिशन इन द प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश दोस्तों सो विच मेल फुटबॉलर हैज़ रिसिव बैलेंडे अवार्ड फॉर द ईयर 2022 तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी करीम बंजीमा ठीक सो इन विच ईयर द इसरो प्लानिंग टू लॉन्च चंद्रयान थ्री तो चंद्रयान थ्री तो कौन से साल में लॉन्च करने वाले हैं इसी साल में लॉन्च करने वाले हैं राइट ऑप्शन सी टू इन विच स्टेट विल द फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड तो ऑप्शन बी हो गया मध्य प्रदेश सो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच कंट्री हेट द हाइस्ट नंबर ऑफ़ द पुअर पीपल इन द वर्ल्ड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी की बात करें तो ऑप्शन डी इंडिया विच सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज डिक्लेयर पब्लिक स्कूल हॉलीडे ऑन दिवाली फ्रॉम द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो ऑप्शन सी न्यूयॉर्क दोस्तों सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी हो गया सौरभ गांगुली वेन इज द वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन ए सोलह अक्टूबर को मनाया जाता है अब्दुल लतीफ़ रशीद हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री देन ऑप्शन बी इराक हो गया है विच कार मैनुफैक्चर हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट फ्यूल फ्लैक्स इंजिन कार तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी टोयोटा याद रख लीजिए टोयोटा मिराई बल के एक गाड़ी आई थी which has recently which has become india's first solar powered uh, village to option b modhera gujarat and which state has launched a website listing the most polluting industrial units option d jharkhand okay. when is the oldest statistics day celebrated option d 20 october who has been elected as the president of indian national congress ki to option a Malikarjun kharge okay. Chale, recently which female cricketer has been awarded the icc player of the month for the september 2022 तो ऑप्शन बी हो गया हरमनप्रीत कौर इंडिया दोस्तों विच मेल क्रिकेटर हैज बीन अवार्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ फॉर द सितंबर 2022 तो ऑप्शन डी मोहम्मद रिजवान सो हाउ मेनी पीपल हैव रिसीव द नोबल प्राइज फॉर द ईयर टू इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थ्री चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन विच स्टेट एज अ प्राइम मिनिस्टर मोडी लॉन्च मिशन लाइफ की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात Asia's largest compressed biogas plant has been inaugurated in which state? So, ja option B Punjab. So, who has been named as a new Defense Secretary by the Government of India? Option A Arman Giridhar. The draft National Credit Framework for the Public Consultancy has been launched under which ministry? That is, option D Ministry of Education. Okay. Which of its raising day was celebrated by the Indian Air Force? ऑन अक्टूबर एट टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी नाइनटी दोस्तों रिसेंटली एलिस ब्लैक्सकी एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसिव नोबल प्राइज फॉर द ईयर टू इन विच फील्ड तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों पीस ठीक सो हैज रिसीव्ड द नोबल पीस प्राइज इन द लिटरेचर फॉर द ईयर 2022 तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एनी अरनॉक्स दोस्तों ठीक है सो हुज़ बिन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ न्यू डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो ऑप्शन सी अजय बहादुर हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन टू द नोबल 2022 नोबल प्राइज फॉर द फिजिक्स की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी थ्री दोस्तों सो विच ऑफ द हु इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट एंड कोच हेयर ऑफ़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ऑप्शन है इंडिया एंड फ्रांस हु अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन भी भारती दास इन विस्टेट द नेशनल मेरी टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बींग बिल्ट तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया गुजरात सो हु हैज़ वोन द इंडियाज फर्स्ट ग्रीको रोमन मेडल इन अंडर ट्वेंटी थ्री रेजलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है साजन बनवाला वॉट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड पेंशनर्स पोर्टल फॉर पेंशनर्स लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों फ्यूचर सो इन द क्लीननेस सर्वे ऑफ दू था ट्वेंटी टू विच हेज बिकम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द सिक्स टाइम इन ए रो दैट इज़ ऑप्शन सी इंदौर हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो ऑप्शन है सुजा लाल थाउसन सॉरी हुज रिसीव द नोबल प्राइज फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी स्वंते पाबो सो हैज रिसीव द बेस्ट एक्टर्स अवार्ड इन द रिसेंटली गिवन सिक्सटी एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात किया जाए तो ऑप्शन डी अपर्ना बाला वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंट तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों फोर्टी एथ रैंक है सो चंडीगढ़ एयरपोर्ट हैज बिन रीनेमड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर आपको पूछा जा रहा है ऑप्शन सी भगत सिंह हैज रिस बिकम द सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया दैट इज ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जी अनिल चौहान हुन द बुकर प्राइस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन सी शीहान करुनाटलिका हुज बिकम द फर्स्ट इंडियन वमेन हडलर टू ब्रेक द हंड्रेड मीटर हडल्स इन थर्टीन सेकेंड्स तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों ज्योति या राजी लिविंग प्लानट रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेज़ बिन रिलीज बाई विच इंस्टीट्यूट ये पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विच इंडियन सिटी हैज़ वोन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन ए हैदराबाद द फिफ्थ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज बिंग हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डी इंडिया हो गया सो इन विच इंडियन लैंग्वेज द गवर्मेंट ऑफ इंडिया इज लॉन्च एम बी बी एस कोर्स बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम तो ऑप्शन बी हो गया दैट इज हिंदी ऑन विच रूट वंदे भारत बेस्ड फ्लाइट सर्विस इज बिंग स्टार्टिड तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों डेली मुंबई द ऑब्जेक्ट ऑफ द पी एम डिवाइन स्कीम इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विच विच कंट्री इंडिया हज एक्सटेंडेड दैक्सिन एक्शन प्रोग्राम टिल दयर टू थाउजेंड ट्वेंटी सेवन तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों यूनाइेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच कंपनी हैज़ डेवलप द इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट ट्रेन रेक ओके तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन डी हिंडॉल को दोस्तों विच कंट्री होस्टेड द नाइनटीथ इंटरपोल जनरल असेंबली ऑप्शन भी इंडिया हो गया वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इंड द ग्लोबल हंगर इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन सी वन नॉट सेवन रैंक हो गया है इन विच आई आई टी प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ लॉन्च परम कामरुप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी की बात करें ठीक है तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी आई आई टी गोवाहाटी पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बल्क ड्रग पार्क इन विच स्टेट ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश इन विच कंट्री वॉज अ सिक्स समिट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन इंट्रैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हेल्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कजाकिस्तान दोस्तों सो रिसेंट इन विच कंट्री साइंटिस्ट ऑफ डिस्कॉर्ड इन इको सिस्टम द ट्रैपिंग जोन ऑप्शन डी हो गया मालदीव इंडिया हज वोन द ब्रॉज मेडल बाई डिफीटिंग विच कंट्री इन आई एस एफ वर्ल्ड चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन बी जर्मनी हो गया दोस्तों ठीक है विच कंट्रीज़ रिसेंटली इम्पोज वीजा रेस्ट्रिक्शन ऑन मेबर्स ऑफ तालिबान रिस्पांसिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन अफगानिस्तान तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एजुकेशन फोर पॉइंट वो इंडिया रिपोर्ट हैज़ बिन लॉन्च बाई विच इंस्टीट्यूट ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज द फेमस श्री महाकालेश्वर टेम्पल लोकेटेड तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए उज्जैन हो गया है दोस्तों विच एकेडमिशन हैज़ वोन द यू ए टॉप आल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड तो ऑप्शन डी हो गया वजाहत हुसैन ठीक हुज़ वोन द यू एन एच सी आर नानस एन रेफ्यूजी अवार्ड फॉर द ईर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन डी एंजेला मरकल ठीक हुज़ बिन अपॉइंटेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ़ यू ए पी ए ट्राइब्यूनल बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऑप्शन बी दिनेश कुमार शर्मा विच स्टेट हैज़ लॉन्च एंटी डस्ट कैंपेन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी डेली हो गया दोस्तों विच कंपनी हैज़ गॉट इंडिया फर्स्ट माइक्रो कैटेगरी डन सर्टिफिकेशन की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एस्ट्रिया एयरोपेस लिमिटेड हु हैज वन द शस्त्र रामानुजन अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन सी यू किन थैंक जस्टिस पंकज मिट्टल हैजिन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाईकोर्ट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी राजस्थान हाईकोर्ट दोस्तों टेलीमनास इनिशियेटिव इज इनिशिएटिव रिलेटेड टू तो विच हेल्थ सर्विसिस तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है मेंटल हेल्थ विच स्टेट हैजनाउंस इंडिया फर्स्ट कडुवीर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी की बात करें तो ऑप्शन सी तमिलनाडु विच कंट्री हेज़ लॉन्च कॉफो वन सैटलाइट टू अन द मिस्ट्रीज ऑफ द सन तो ऑप्शन तो बी हो गया दोस्तों चाइना विच कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर द इंडियन मेड ड्रोन उसके जिसका नाम भी इन्होंने ड्रोन ही रखा है तो ऑप्शन सी गरुड़ा एयरोपेस

हु हैज़ बी मेड नेशनल आईकॉन बाई द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी इंडिया हेज़ हैंडेड ओवर मेड इन इंडिया मोटरबाइक्स टू विच कंट्री एज ए बायोलेटरल ट्रेड की बात करें तो करेट आंसर इसका ऑप्शन है लेबन हिंदुस्तान विद विच कंट्री इंडियन नेवी आज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन वाइड शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की बात करें तो ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ओके सो हर स्टार्ट इज़ अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाई विच यूनिवर्सिटी तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात यूनिवर्सिटी हु हैजन द टू थाउजेंड ट्वेंटी टू नोबल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्वां पैबो विच इंडियन अमेरिकन हैज बिन ऑनर्ड विद अचीवमेंट अवार्ड बाई दूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी विवेकलाल वट अम ऑफ द फर्स्ट मेन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इन टू इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ऑप्शन बी प्रचंड विच स्टेट हैज़ वोन आयुष्मान एक्सेलेंस अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश विच ग्राम पंचायत ऑफ केरला एज बिकम फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया तो ऑप्शन बी पुलमपुरा दोस्तों सो हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज इंडिया सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो ऑप्शन बी अनिल चौहान फॉर विच एरिया एज द उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें ऑप्शन है बुंदेलखंड ओके हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन मूवमेंट टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो ऑप्शन सी समंता क्रिस्टोफॉरडी इनका नाम है इन विस्टेट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंड द रिमाइंड ऑफ बुद्धिस्ट केवस एंड टेम्पल्स तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश एंड हुज बिन अवार्डेड द क्वीन एलिजथ टू वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया है सोला ब्रिवरमैन हुईंटेड एज न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कैनेडा तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है संजय कुमार वर्मा सो रिसेंटली द इंडियन प्लेयर जुलन गोस्वामी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट तो ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं हु विल बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है जॉर्जिना मेलोनी वेन इज़ वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दोस्तों ऑप्शन बी ट्वेंटी सेवंथ सेप्टेम्बर रिसेंटली हुज़ बिन गिवन दिफ्टी सेकेंड दादा साहब पालके अवर्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया आशा पारेक हुज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया तो ऑप्शन डी दिलीप तिरके एंड हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आई की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन डी डॉक्टर राजीव बहल हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू बिकम द ओनर ऑफ थाउजेंड करोड ऑफ एसेट्स ऑप्शन सी कावल्या वोहरा जलदूत ऐप हैज बिन डेवलप बाई विच मिनिस्ट्री तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑन हुज बर्ट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सो वेन इज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर इन विच सिटी डिट प्रेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली नॉगरेट हेचएल इंटीग्रेट क्रायोजेनिक इंजिन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो ऑप्शन डी बैगलोर हो गया दोस्तों चलिए सो रिसेंटली स्वच्छ टाइकोथान कॉम्पिटिशन हैज़ बिन स्टार्टेड बाई विच मिनिस्ट्री तो इसका जो करेक्ट uh, आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वर्ल्ड रोज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेबर फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम विच डिसीज़ ऑप्शन ए कैंसर वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन बी ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर दोस्तों विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड डिस्कोडे रेयर लूनार क्रिस्टल एंड न्यूक्लियर पावर सोर्स नियर द मून तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चाइना हो गया ठीक है रिसेंटली हुज़ वोन द टाइटल ऑफ सैफ

वेब पोर्टल तो ऑप्शन सी मणिपुर हो गया है विच फिल्म हैज़ बिन अनाउंस्ड एज इंडिया ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर 2023 तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों शेलो शो सो रिसेंटली द फॉमर इंडियन प्लेयर नरेश कुमार रिलेटेड टू विद स्पोर्ट हैज़ पासड एट द एज ऑफ नाइन्टी तो ऑप्शन ए टेनिस हो गया एंड द प्लेयर रिलेटेड टू विद स्पोर्ट रॉजर फेडर एज अनाउंस इज रिटायरमेंट तो ऑप्शन बी टेनिस हो गया है क्लियर चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑन विच डेट नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन बी फोर्टीन सेप्टेम्बर एंड रिसेंटली मेल क्रिकेटर हैज बिन अवार्डेड द आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन सी सिकंदर रजा जिम्बाबे हैज बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सिक्सटींथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन डी आर वेंकटरमनी सो रिसेंटली विच हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू हैव इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सिस्टम की बात कर रहे हैं लोग तो ऑप्शन ए हैच डी एफ सी बैंक विच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ इट्स कैपिटल टू अस्थाना ऑप्शन सी कजाकिस्तान दोस्तों विच कंट्री विल होज द क्रिकेट ओमेन एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दिन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन डी बांग्लादेश इन विच कंट्री द फर्स्ट ट्राई लेटर फॉरिन मिनिस्ट्री मीटिंग बिटवीन इंडिया फ्रांस एंड यू ई हैज़ बीन हेल्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी यू एस ए वो एज बिकम द न्यू सी ई ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संजय खन्ना दोस्तों

नेक्स्ट रिसेंटली विच कंट्री क्रिकेट टीम हैज़ वोन द एशिया कप 2022 थाउजेंड ट्वेंटी द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी श्रीलंका हु हैज बिकम द न्यू हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहे हैं ऑप्शन बी वालकर तुर्क वट द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर द एय टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रिलीज बाई यू एन डी पी रीसेंटली ऑप्शन है वन थर्टी सेकेंड रीसेंटली इंडियन ऑरिजिन बैरिस्टर सुयेला ब्रेवरमन हैज बिकम द न्यू होम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ऑप्शन बी ब्रिटेन हो गया है ठीक है विच नवलशिप वॉज डी कमिशन बाई इंडियन नेवी ऑन सेप्टेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच हड सर्व फॉर थर्टी टू ईयर्स दैन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए आई एन एस विजय दोस्तों इन विच कंट्री लैब ए न्यू वुल्फ माया हैजिन प्रिपेयर बाई क्लोनिंग ऑक्टिक वुल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ऑप्शन डी चाइना हो गया इंडियन आर्मी डिसाइडेड टू शिफ्ट द आर्मी डे परेड ऑफ टू पर एरिया ऑप्शन ए सदरन कमांड दोस्तों द साइंस मैगजीन विज्ञान प्रगति विच द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू इज रिलीज बाई विच इंस्टीट्यूट ठीक है तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी सी एस आई आर सो हुम द फर्स्ट इंडियन टू विन फोर मेडल्स एट द ओल्ड रेजलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन बी बजरंग पुनिया दोस्तों सो विच कंट्री हैज एमर्ज द लार्जेस्ट बायोलिटर लंडर टू श्रीलंका की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए इंडिया हो गया फॉर द सेशन 2022-23 ट्वेंटी विच इंडियन सिटी हैज बीन नेम्ड एज एसी टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी वाराणसी इन विच नेशनल पार्क चीताज अंडर प्रोजेक्ट चीता तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों कुनो नेशनल पार्क सो व्हाट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट रीनेम्ड एज द राजपथ तो ऑप्शन सी हो गया कर्तव्य पथ लिज ट्रस्ट हैज़ बिकम द थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सो फार ऑप्शन सी ब्रिटेन रिसेंटली नीरज चोपड़ा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन जैवलिंग इन विच चैंपियनशिप आपको पूछा जा रहा है डायमंड लीग चैंपियनशिप हु हैज़ बिकम द न्यू किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है प्रिंस चार्ल्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी खुलना दोस्तों वेदंता पटल ऑफ इंडियन ऑरिजिन इज हेड ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ विच कंट्री डिप्यूटी स्पोक्स पर्सन की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया यूनाइटेड स्टेट्स हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी कल्याण चौबे आफ्टर विच इंडियन सिंगर रिसेंटली स्ट्रीट इन कैनेडन सिटी ऑफ मरखाम हैज़ बिन नेम्ड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए आर रहमान ग्रीन फिन हब ए ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल मेरी टाइम टूरिज्म इज एसोसिएट विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऑप्शन सी यू एन ई पी हो गया दोस्तों इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो ऑप्शन डी हो गया आंध्र प्रदेश ओके रिसेंटली रिसेंटली हैज बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड तो ऑप्शन सी गौतम अदानी ठीक है चलिए द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अनाउंस ओवर सिक्स हंड्रेड मिलियन आर्म्स पैकेज फॉर विच कंट्री किसको अनाउंस किया था तो ऑप्शन बी यूक्रेन दोस्तों इंजीनियर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू कॉमरेट हुज़ बर्थ एनिवर्सरी तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन बी एम विश्वेश्वरैया सो हाउ मेनी सेलिब्रिटीज रिसीव रामन मैक्सेस अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन ब गया फोर एंड हुज़ बिकम द न्यू सी ऑफ इंडियन ऑरिजिन मल्टी नेशनल कंपनी स्टार बक्स की बात करें तो ऑप्शन सी लक्ष्मण नरसिमहन दोस्तों ठीक है सिन्विच टेरेटरी इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्कूल हैज़ बिन लॉन्च तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डेली हो गया है एंड रीसेंटली वो हेज बिन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ़ न्यू सर्विसज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो ऑप्शन डी वसुधा गुप्ता दोस्तों ठीक है वेल इज़ वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है सेकेंड सेप्टेम्बर विच इंडियन ब्यूटीटली वोन द टाइटल ऑफ मिस डीवा यूनिवर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी दिविता रॉय हुव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट सिक्सटी सेवंथ फिल्म फेयर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन बी रणवीर सिंह हो गए दोस्तों सो कॉल इन डे ग्रैंड होम द प्लेयर ऑफ़ विच कंट्री हैज रिटायर फ्राम विच इंटरनेशनल क्रिकेट तो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ऑप्शन सी न्यूजीलैंड दोस्तों ओके ऑन विच डेट नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन भी ट्वेंटी नाइन्थ अगस्ट सो रिसेंटली इंडिया फर्स्ट रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल हैजिन अनाउंसड तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश ओके चलिए हुईटेड एज न्यू एम डी एंड सी ई ऑफ आई डी एफ सी बैंक फॉर द नेक्स्ट टू इयर्स की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों महेंद्र शाह वह हैज़ बिन वोटेड एज अ मेन प्लेयर ऑफ द ईयर एट द यू एफ अवार्ड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन सी करीम बेंजिमा सो रिसेंटली वो हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन टू मेडल्स इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात करें तो ऑप्शन सी विनेश फोगाट आफ्टर होम इज अब्यूथी मिलिट्री कैंप नेम तो ऑप्शन डी हो गया जनरल बिपिन रावत विच स्टेट हज़ रीसेंटली स्टार्टेड स्कूल ब्रेकफास्ट प्रोग्राम ठीक है स्कूल ब्रेकफास्ट प्रोग्राम तो ऑप्शन है तमिलनाडु हो गया है विच प्लान डिसपेट फ्रॉम साइड डूरिंग द लूनार एक्लिप्स ऑन द सेप्टेम्बर फोर्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यूरनस दोस्तों ठीक है सो इंडियाडेड टू इन्वाइट विच कंट्री एज अ गेस्ट डूरिंग द जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी की बात करें तो ऑप्शन डी बांग्लादेश हो गया है ठीक है इन विच एयर इंडिया विल होस्ट जी ट्वेंटी समिट तो ऑप्शन सी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इन्वेस्टेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम हैज़ बिन इनागरेटेड रिसेंटली तो ऑप्शन ए बिहार हो गया एंड विच इंडियन सिटीज़ हैव जॉइंड द यूनिस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज तो ऑप्शन सी हो गया वरंगल त्रिसूर एंड नीलम्बूर दोस्तों विच स्टेट विल होस्ट द मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑप्शन ए उड़ीसा हाउ मैनी स्टेट्स विल द कांग्रेस पार्टी रन द भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो ऑप्शन डी ट्वेल्व ठीक चलिए नेक्स्ट देख लेते इन्वेस्टेड इंडियाज फर्स्ट विलेज हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड ऑप्शन सी त्रिपुरा हो गया इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी विल बी ओपन इन विद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी तो ऑप्शन बी लद्दाख हो गया दोस्तों हु है हुज़ बिन एलेक्टेड एज फिफ्टी सिक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम उनका नाम है ऑप्शन बी ऋषि सोनाक इन विच कंट्री इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे हैज़ बिन अवार्डेड द हॉनररी रैंक ऑफ आर्मी जनरल की बात करें तो ऑप्शन डी नेपाल हो गया है विच ऑर्गेनाइजेशन हेज डेवलप इंडियाज फर्स्ट नेशनल वैक्सीन रिलेटेड टू कोविड नाइन्टीन विच हैज़ गॉड डी जी सी आई और डी सी जी आई अप्रूवल तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी भारत बायोटेक इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल थर्टी सिक्सथ नेशनल गेम भी ऑर्गेनाइजड तो करेट आंसर है ऑप्शन है गुजरात इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन यू स्पीसीज ऑफ क्रैब नेम घटियाना द्विर दिवर्ना हैज़ बिन डिस्कवर्ड तो ऑप्शन है कर्नाटका दोस्तों विच कंट्री हैज़ बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकानमी इन द वर्ल्ड ओवरटेकिंग द यूनाइट किंगडम तो इसका जो करेक्ट आंसर है दट इज ऑप्शन भी इंडिया Which Indian company has announced to build India's first and world largest carbon fiber plant in Gujarat? Option A Reliance Industry. Prime Minister Indra Modi has unveiled the new flag for which armed forces baat kare. Though iska answer A, option B Indian Navy. Which state has launched rural backyard piggery yojana for the welfare of farmers? Option A Meghalaya. Which team became the first team to qualify for the Super 4 stage in Asia Cup 2022? Then the correct answer A, option A Afghanistan. नेक्स्ट देखते हैं हुज़ ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट दिक्सटी सेवंथ फिल्मफेयर अवार्ड्स की बात करें तो ऑप्शन डी होगा सुभाष घाय विद सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया इन टू थाउजेंड पर द रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट द वर्ल्ड कैडेट जूडो चैम्पियनशिप टू तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी लिंथॉय चनम्बम ज अमिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनगरेट इंडिया फर्स्ट अर्थक् मेमोरियल की बात करें तो ऑप्शन बी गुजरात हुवेंथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो यू यू ललित है एंड हुजन दुम एंड मैन सिंगल टाइटल ऑफ बी डब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट इज ऑप्शन बी विक्टर एक्सलसन एंड अकानेमागुची वोमेंस इक्वालिटी डे सेबरेटेड एवरी ईयर कब मनाया जाता है दोस्तों तो ऑप्शन सी हो गया हैज़ बिन अवार्डेड द यूनिस्को पीस प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दिन करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन बी एंजेला मर्कल सो रिसेंटली हाउ मेनी टीचर्स हैव बिन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन ए फोर्टी सिक्स ओके चलिए ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर द बुक न्यू इंडिया वॉज रिलीज तो ऑप्शन सी हो गया अरुण जेटली विद विच नेबरिंग कंट्रीज द इंडिया हेज साइंड कंसल्टेंसी एग्रीमेंट फॉर टू रेलवे प्रोजेक्ट्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बांग्लादेश विथ सीनियर लीडर एज रिसेंटली रिजाइन फ्राम ऑल पोस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी गुलाम नबी आजाद वेर वॉज द एइट इंडिया ब्राज़ील ज्वाइंट कमीशन मीटिंग है ज्वाइंट कमीशन मीटिंग कब हुई थी कौन से इसमें हुई थी बताना है आपको तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ब्राज़ीलिया दोस्तों सो हुज़ बैक द कॉन्ट्रैक्ट ऑज अफिशियल नेशनल टीम स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका क्रिकेट टीम फॉर एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन भी हो गया फेयर प्ले न्यूज़ ज बिन अपॉइंटेड एज एंटीरियम कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर एशिया कप 2022 तो इसका जो करेक्ट आंसर है दट इज ऑप्शन भी होगा वी एस लक्ष्मण अवार्डेड दिली मेडल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दें करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोडी एज एनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट की बात करें तो ऑप्शन है पंजाब हो गया दोस्तों सो अंडर विच कैटेगरी बांग्लादेश और फहमीदा अजीम हैज दुलटर प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कॉमेंट्री जेम्स वेब टेलीस्कोप हैज़ रिसेंटली कैप्चर्ड न्यू पिक्चर ऑफ विच प्लानट आपको पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी हो गया जुपीटर ओके सो विच कंट्री हैज़ बिकम द फास्टेस्ट एजिंग कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन तो ऑप्शन सी हो गया पोर्चुगल एंड इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड विच फोक डांस हैज़ बी नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इनटैंजेबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है गरबा हो गया ओके इन विच कंट्री द एनुअल मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ़ एस सी ओ विल बी हेल्ड एस सी ओ विल बी जो एनुअल मीटिंग होती है वो कहाँ पर हो रही है तो करेक्ट आंसर इसका दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया उजबेकिस्तान इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल हैज़ बिन अनवील्ड इन विच सिटी आपको बताया जा रहा है तो ऑप्शन डी पुणे हो गया है ठीक है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर होम तो ऑप्शन सी हो गया शहीद भगत सिंह इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप आर टी पी सी आर किट टू टेस्ट फॉर मंकी पॉक्स डिसीज़ हैज़ बीन डेवलप बाई विच कंपनी तो ऑप्शन बी ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स वॉट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर तो ऑप्शन ए आई एन एस विक्रांत हॉ मिनी मेडल्स हैज़ द इंडियन रेजलिंग टीम वोन अंडर ट्वेंटी ट्वेंटी टू वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन सी सिक्सटीन दोस्तों इन विच कंट्री वॉज अ बाइन इंडियन वॉरफेयर एक्स पिच ब्लैक हेल्ड

तो ऑप्शन बी गोवा हो गया इन विच साउथ अमेरिकन कंट्री एक्शन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एज अनवील्ड स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी तो ऑप्शन है पैरागवे सिटी इंडिया का फर्स्ट डबल डेकर ए सी इलेक्ट्रिक बस हैज़ बिन अनवील्ड तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी मुंबई हो गया दोस्तों ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विच लीडर हैज़ बिन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नितिन गडकरी इन सिटी इंडिया फर्स्ट थ्री डी प्रिंटेड कॉर्निया हैज़ बिन डेवलपड तो ऑप्शन बी हैदराबाद एंड इन विच स्टेट विल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड स्टील स्लैग रोड तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश विच कंट्री हेज़ साइन सेवन फिफ्टी बिलियन डॉलर क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर बिल की बात करें तो ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन विच सिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज लॉन्च इट्स फर्स्ट ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स तो ऑप्शन सी बेंगलुरु दोस्तों मंथन मंथ हैज़ बिन स्टार्टड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वॉट पर्पज दैट इज ऑप्शन ए कोऑपरेशन इन आर एंड डी सदभावना दिवस एज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो इन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी राजीव गांधी विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया एज लॉन्च अ डिजी यात्रा प्रोग्राम फॉर द अगस्ट एटीन टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सो इंडिया हेज गिफ्टेड द डॉनियर मेरी टाइम रिकगग्नाइज एयरक्राफ्ट विच नेबरिंग कंट्री ऑप्शन सी श्रीलंका हो गया ठीक हु हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट फ्रेंडशिप स्टार्टअप फॉर दी सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो ऑप्शन बी रतन टाटा विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्माइल सेवेंटी फाइव इनिशियेटिव ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्कूल क्लीनलीनेस एजुकेशन प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव लॉन्च इन विच स्टेट कौन से स्टेट में इसको लॉन्च करने की बात की गई है तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी उत्तराखंड विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव ओमिक्रॉन वैक्सीन स अप्रूव किया था है? तो ऑप्शन सी हो गया यूनाइटेड किंगडम ठीक है विच ऑर्गनाइजेशन ऑन दकेश ऑफ इंडिपेंडेंस डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फ्राम अर्थ इंडिया नेशनल फ्लैग इज हॉस्टेड थर्टी किलोमीटर अबाउ देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए स्पेस इंडिया किट्स द अगस्त रीजन ऑफ विच स्टेट हैज़ बिन डेजिग्नेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व ऑफ विच स्टेट ऑप्शन डी तमिलनाडु ठीक है सो हु हैज हुजिन गिवन द सिविलियन ऑनर ऑफ़ द फ्रांस फ्रांसर डी लॉर रीजन डी ऑनर रिसेंटली तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी शशि थरूर बायोलिट्रल एक्सेस उधर शक्ति इज बींग ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री तो ऑप्शन डी हो गया मलेशिया ठीक है वेन इज इंटरनेशनल यूथ डे इज़ सेलिब्रेटेड दोस्तों ऑप्शन ए बारह अगस्त को मनाया जाता है ठीक है विच टू कंट्रीज हर विद्रॉन फ्रॉम द कोऑपरेशन ग्रुप फॉर्म बिटवीन चाइना सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी लैक्विया एंड इस्टोनिया विच ऑफ़ द फॉलिंग अप्रूव्ड एज अ बूस्टर डोज इन इंडिया फॉर पीपल अब एटीन ईयर्स ऑफ एज तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी कॉर्बेवैक्स सो हुज़ बिन ऑनर्ड द हाइस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख तो ऑप्शन सी दलाई लामा वर्ल्ड एलिफेंट डे सेब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच स्टेट ऑप्शन डी 12 अगस्त को मनाया जाता है वेन इज़ वर्ल्ड लाइन डे मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड लाइन डे कब मनाते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी दस अगस्त को मनाया जाता है इन विस्थ स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डेडिकेटेड टू जी इथेनॉल प्लांट टू द नेशन ऑप्शन डी हरियाणा ओके वेन इज वर्ल्ड बायोफील्ड डे इज सेलिब्रेटेड तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेंथ अगस्त सो इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी नॉगरेटेड इन विथ सिटी ऑप्शन बी कोलकाता याद रख लीजिए ओके वेन विल द ट्वेल्थ एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो बी हेल्ड इन गुजरात तो ऑप्शन डी हो गया अक्टूबर 2022 न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हैज़ बीन रीनेम्ड एज ऑप्शन सी इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ठीक सो हाउ मेनी मेडल हैज़ इंडिया वन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हेल्ड इन बर्मिंग हैम देट इज़ ऑप्शन सी सिक्सटी ओके सो वे डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनाग्रेट एशिया लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल तो फरीदाबाद हरियाणा में इसको इनाग्रेट किया गया है Parvez market linkage scheme has been launched by which union territory of india option b jammu kashmir dosto. so dr. Yen kalai has become the first woman director general of which indian organization so option d hoga council of scientific and industrial research which indian state has been appointed deloitte india as its advisor so option b uttar pradesh okay. so how many gold medals has been has the indian contingent won in commonwealth games 2022 the correct answer is Option c22 हु हेज़ बीन इलेक्टेड एज फोर्टींथ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो ऑप्शन बी जगदीप धनकर वेयर वॉज द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन क्लीन एयर समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड ऑप्शन सी बैंगलोर कर्नाटका बिट्वीन विच टू सिटीज द इंडियन अकाशा एयर फर्स्ट फ्लाइट हैज़ बिन इनागरेटेड तो करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन डी मुंबई टू अहमदाबाद दोस्तों अंडर अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस बड़े चलो कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री दट इज ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दोस्तों द मिलिटी एक्साइज युद्ध अभ्यास हैज़ बिन ऑर्गेनाइज विथ इंडिया एंड विच कंट्री की बात हो रही है ऑप्शन सी यू एस ए विच एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेट्री इन इंडिया हेज बिन नोटिफाइड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेट्री विच इंडियन फीमेल बॉक्सर हैज़ वोन द गोल्ड मेडल इन द वोमेन्स फिफ्टी के जी बॉक्सिंग कैटेगरी एट कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट इज ऑप्शन ए निखत जरीन सो यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इंडिया फर्स्ट रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल हैजिन अनाउंस रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन है भोपाल दोस्तों हु हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आई इन इंडिया तो ऑप्शन बी हो गया के सुब्रमण्यम हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ डी आर डी ओ ऑप्शन सी समीर वी कामत ओके रिसेंटली तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हेज अनाउंस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी ऑन द लाइन्स ऑफ सिंगापुर इनविटी तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी लखनऊ दोस्तों रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट एजुकेशन टाउनशिप की बात कर रहे हैं ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश चलिए सो रिसेंटली वो हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है देवशी मोहंटी रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अगेन ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो गया साउथ कोरिया रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज बिकम फंक्शनली लिटरेट तो सही जवाब है इसका ऑम्शन भी मांडला मध्य प्रदेश सैयद सपती राजी वो आज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच टू स्टेट्स हैज़ पासड द एज ऑफ एटी थ्री दैन ऑप्शन भी झारखंड एंड असम हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर टू प्ले यू एफ ए चैम्पियंस लीग की बात करें तो ऑप्शन भी मनीषा कल्याण विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट लॉ फॉर ए फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स तो ऑप्शन भी हो गया स्कॉटलैंड ऑन विच डेट वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों नाइन्टीन अगस्त सो वेन इज द वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी नाइनटीन अगस्त एंड रिसेंटली विच कंट्री प्लेयर केविन ओब्राइन हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ऑप्शन सी आयरलैंड हो गया दोस्तों ऑन विच डेट वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डेज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दैट इज़ ऑप्शन सी ऑन थर्टींथ अगस्त हु हैज़ बीन अडज बाई ए आई डब्ल एफ फॉर मेन्स फुटबॉलर ऑफ दियर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सीजन तो ऑप्शन सी सुनील छेत्री विच कंट्री हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट सर्विस ऑफ हाइड्रोजन पावर ट्रेन की बात करें तो ऑप्शन डी जर्मनी हो गया दोस्तों इसरो सक्सेसफुली पुट थ्री सैटेलाइट्स ऑफ विच कंट्री इन टू स्पेस ऑर्बिट विथ पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री की बात करें तो इसका जो करेक्ट uh, आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित एंडलीवसी प्लेयर ऑफ अवार्ड फॉर द जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए प्रभत जयसूर्या विच ब्यूटीटली ओन द टाइटल तो ऑप्शन सी आर्य भाल्वेकर

इन ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऑप्शन है उत्तराखंड एंड रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हज अनाउंस टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन विद स्टेट ओके तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ओके एंड हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन डी हो गया श्वेता सिंह दोस्तों एंड रिसेंटली इट हैज़ बिन अनाउंस टू क्रिएट सेवन न्यू डिस्ट्रिक्ट इन विच वेस्ट बंगाल नो वॉट विल बी द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी थर्टी विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट सेमी कंडक्टर पॉलिसी दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात ओके सो वसीफा नजरीन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ विच कंट्री टू कॉन कॉर के टू ऑप्शन है बांग्लादेश हुम द हाइएस्ट पेड एफ एम सी जी सी ओ रिसेंटली तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी सौगत गुप्ता फॉर हाउ मनी मंथ्स बांग्लादेश फास्ट बॉलर शाहीदुल इस्लाम हैज बिन बैंड बाई आई सी सी फॉर कमिटिंग डोपिंग वायलेशन की बात करें ऑप्शन बी टेन मंथस हु इज कंसिडर दा फर ऑफ इंटरनेट रेवोल्यूशन इंडिया हु इज पासड अवे रीसेंटली ऑप्शन है ब्रजेंद्र कुमार सिंगले नीरज छोपड़ा पार्टिसिपेंट जेवलिंग थ्रो इवेंट इन वर्ल्ड एथलीट विच मेडल डिड ही वोन तो ऑप्शन भी सिल्वर मेडल इंडिया एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड मेरी टाइम पार्टनरशिप दोस्तों ऑप्शन भी हो गया जपान एंड व्यू हैज बिन अपॉइंटेड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ दर्ल्ड बैंक रिसेंटली तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी इंद्रमित गिल Who has been given the most favorable state award for the films in 68 national film awards recently? Option C Madhya Pradesh, who has recently won 2022 Tour de France title? to option C Jonas Wingard Drone Startup Garuda Aerospace has started with Hillside Global to set up its first aerospace plant in which country? The correct answer is option C Malaysia. Which state has been recently established District Climate Change Mission to option B Tamil Nadu. कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ऑप्शन है ट्वेंटी सिक्स जुलाई सो दिस इज़ एंड ऑफ द एम सी क्यूज़ जो कि लेटेस्ट मैगजीन के एम सी क्यूज हमने कवर किए हैं उम्मीद है, है कि मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आपको क्योंकि बहुत ही तकलीफ़ से मैंने रिकॉर्ड किया है दोस्तों मैं रोज़े की हालत में हूँ मैं फास्टिंग हूँ फास्टिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ बस मेरी थोड़ी पढ़ाने की इज्ज़त रख लीजिएगा बस आपका एक ही काम है कि आप अच्छे से इसको रिवाइज़ कीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए मुझे बहुत खुशी होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों एंड वन मोर थिंग कि ये मेंबरशिप के जो है जो मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दूसरों को भी बताइएगा कि इस तरह से जो इंपॉर्टेंस क्या है मेम्बरशिप का और उनको भी ज्वाइन करवाइए ओके okay? तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों टेक केयर स्टे सेफ़ स्टे हेल्थी थैंक यू सो मच साइनिंग ऑफ सैयद शाबाज